और मतलब जब जंगल से करीब करीब 7 बजे लौट के आता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये बहुत रात 9 बजे तक लौट के आया। मतलब सुबह 5 बजे निकला, यानी समय से पहले निकला, और रात को जब ये 7 बजे आने वाला था उसकी जगह ये 9 बजे आया। इसके बावजूद भी दोस्तों श्याम ने सिर्फ 2 पेड़ काटे। इस बात को मतलब ये बात वो समझ नहीं पा रहा था, और सेठ ने कहा कि भाई तुम्हारी नौकरी तो आप हम तुम्हें ऐसे नहीं रख पाएंगे कि पहला दिन 10 पेड़ काटे, फिर अगले दिन 8 काटे, फिर आपने 4 काटे, आज तो मतलब हद ही कर दी यार तुमने, मतलब 2 पेड़ काटे, इसके अवज में तो हम तुम्हें तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, मतलब हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख पाएंगे। बहुत ज्यादा मायूस हो गया, बहुत ज्यादा उदास हो गया, मतलब आंखों में आंसू आ गए। और ऐसा उसने जब ऐसा उसके साथ हुआ तो वहां पे एक मैनेजर था, उसने बोला कि क्या हुआ, मतलब तुम पहले दिन तो 10 पेड़ काटे थे, फिर अचानक से 2 पेड़ कैसे काटे? तो उसने बोला कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मतलब पहले दिन से मैंने ज्यादा मेहनत की है, लेकिन पेड़ कम क्यों कट रहे हैं मेरे को पता नहीं। तो जो मैनेजर था उसने कहा कि आप हाँ किस चीज से पेड़ काटते हो? उन्होंने कहा ये कुल्हाड़ी है मेरे पास, इससे पेड़ काटता हूँ। तो मैनेजर ने कुल्हाड़ी को देखा, पूरी बात को उसको समझ में आ गई कि पेड़ कम क्यों कट रहे हैं। बात ये थी कि क्या हुआ, श्याम ने क्या किया, जब पहले दिन गया ना तो कुल्हाड़ी में तेज धार थी, मतलब तेज धार होने के कारण पेड़ आसानी से 10 कट गए। अगले दिन क्या किया, श्याम ने अपने कुल्हाड़ी पर धार नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर धार नहीं मारी तो 10 की जगह 8 पेड़ कटे। और तीसरे दिन भी इसने धार नहीं मारी, और धार नहीं मारी तो वो जो है 4 पेड़ कटे। और चौथे दिन भी इसने धार नहीं मारी, यानी जो कुल्हाड़ी का जो पेनापन था वो खत्म हो गया। और जब जब पेनापन खत्म हो गया तो रिजल्ट वो आना कम हो गया। तो वैसे ही हम लोग जब नेटवर्किंग करते हैं, तो जब आपको याद होगा जब पहले दिन जब हम इस बिजनेस में एसोसिएट होते हैं तो नए नए इतना जोश होता है ना कि हम तुरंत 2-4 लोगों को एसोसिएट कर देते हैं, तुरंत अपना जो है टीसी क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में क्या होता है, हमारा बिजनेस बढ़ने की बजाय कम होने लगता है। उसका सबसे मेन कारण यह है कि हमने अपनी धार नहीं मानी, मतलब अपनी बुद्धि को तेज नहीं किया है। और ये मौका होता है ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग जब हम लेते हैं तो हमारी कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाती है, यानी हमारी शार्पनेस बढ़ जाती है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। इतनी सारी चीजें हमको मिलती हैं ट्रेनिंग से। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग को हल्के में लेते हैं, और जिन जिन लोगों ने दोस्तों ट्रेनिंग हल्के में ली है तो ये मान के चलो बिजनेस ने भी उनको हल्के में ले लिया है, और जिन लोगों ने ट्रेनिंग को मतलब बड़ा सीरियस लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, शनिवार का अगर कोई दिन है और अगर ट्रेनिंग है, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, चाहे फ्री की ट्रेनिंग हो या पैसे देने हो, वो ट्रेनिंग में जो लोग अटेंड करते हैं उनका हर हफ्ते चेक बनता है, हर हफ्ते वो क्लोजिंग करते हैं और लगातार वो रैंक को अचीवमेंट करते रहते हैं। तो दोस्तों मुझे खुशी है आप सभी लोग ट्रेनिंग में आए हुए हैं, मैं चाहूंगा तालियां बजा लें सिर्फ आप अपने लिए। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा मतलब मैं पार्टिसिपेट हूँ, आज मैंने ट्रेनिंग ली है, तो ऐसा माहौल तैयार कर दें कि आपको लगना चाहिए कि हम एक मोबाइल पे बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉल के अंदर बैठे हुए हैं। सभी लोगों के लिए मैं दिल से तालियां बजाना चाहता हूँ। और आज जो आज हमारे बीच में आने वाले हैं दोस्तों, उनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग क्या है उनके लिए पर्सनल फीलिंग मेरी ये है कि जब आज से करीब मेरे को याद है 12-13 महीने पहले मैंने उनको जबलपुर में देखा था, और जबलपुर में मैंने देखा था, एक हॉल था और उस हॉल के अंदर करीब 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 500-600 लोग होंगे, और उन 500-600 लोगों के बीच में उनको इनवाइट किया जा रहा था, और ऐसा बोल रहे थे वो लोग कि मतलब नेट मतलब क्रिकेट में सचिन, क्रिकेट के अंदर अगर कोई भगवान है तो वो सचिन है, और नेटो मार्केटिंग के अंदर अगर कोई सचिन तेंदुलकर है, मास्टर ब्लास्टर है, तो वो हमारे डीके नरवरे सर है। तो मेरे को लगा मतलब बहुत धुआंधार पर्सनालिटी होगी, मतलब शानदार अमीर घर से होंगे और बहुत बेहतरीन तगड़ा बैकग्राउंड होगा, ऐसा मैंने उनकी छवि अपने अंदर बना ली थी। लेकिन जब वो स्टेज पे आए ना, जब स्टेज पे आए तो मैं देख के हैरान हो गया, और हैरान मतलब मैं इतना अचंभित हो गया एक मतलब एक नॉर्मल दिखने वाला व्यक्ति मतलब इस लेवल पे आ सकता है। और जब उनके बारे में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक सेल्समैनशिप से मतलब एक 2 व्हीलर से लेके एक कार तक का सफर उन्होंने तय किया, कैसे उन्होंने अपनी नहीं अपने साथ सैकड़ों लोगों की जिंदगी बनाई, तो मतलब मैं मतलब हैरान रह गया, सोचने पर मजबूर हो गया, और उनसे मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ। और मैं ही नहीं दोस्तों, आज मेरी टीम के अंदर एक एक व्यक्ति है उनको नाम से जानता है, उनके मतलब काम से जानता है, और हमें ऐसा सौभाग्य मिला नहीं कि उनसे कभी बात करने का। और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा लाख लाख अपने
सीनियर संजय पांडे सर को, जिन्होंने मेरे को मौका दिया उनको बुलाने का, उनसे मिलने का, उनकी ट्रेनिंग लेने का। तो दोस्तों ये मौका हमारे हाथ से चूकना नहीं चाहिए। बस दोस्तों लेकिन मेरी आपसे ट्रेनिंग की शुरुआत मतलब शुरू करने से पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग को लेने से पहले है ना आप बिल्कुल 1.5-2 घंटे का बिल्कुल फ्री टाइम निकाल लो, ठीक है, पहली। दूसरा, मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन होता है नॉट टू डिस्टर्ब मतलब करके, तो उसको आपको क्लिक कर दो कि बीच में बार बार फोन आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग मिस हो जाती है। तीसरा, एक डायरी पेन लेके जरूर बैठे, क्योंकि उनकी बताई हुई एक एक बात मेरे को सर बता रहे थे कि उन्होंने उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो उतनी बुक या वीडियो से नहीं, उनकी लाइफ की ट्रेनिंग है, उनकी जिंदगी के सच्चे एक्सपीरियंस हैं, और अगर उनको तुमने अमल कर दिया तो तुम्हें 100% सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगले 1.5-2 घंटे हमें उनकी ट्रेनिंग को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है, लिखना है, नोट डाउन करना है, और उसको जो है एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आपके और उनके बीच में ज्यादा ना वादा बनते हुए मैं आपकी जोरदार तालियों से उनको बुलाना चाहूंगा, तो प्लीज वेलकम कम ऑन द स्टेज डीके नरवरे सर। जोरदार तालियां होना चाहिए दोस्तों अपनी जगह पर, एक ऐसा माहौल होना चाहिए तो उनको लग जाना चाहिए कि हमारे सर आ रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा डीके नरवरे सर, जोरदार ताली। थैंक यू सो मच चौरसिया जी, बहुत धन्यवाद आपका दिल की बेपनाह गहराइयों से, और आप सभी लोग जो सुन पा रहे हैं हम सर, और शायद मेरी आवाज सभी तक आ रही है। यस सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग जितनों को मैं देख पा रहा हूँ तो उतने सारे के सारे लोग यहाँ पर जो है मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, और आप लोगों की मुस्कुराहट चेहरे की ये बता रही है कि आज का दिन कुछ तो हमारे लिए अच्छा साबित होने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास कह रहा है, और 100% साबित होगा क्योंकि आप लोगों की एनर्जी ये साबित कर रही है। सो दोस्तों शुरुआत करते हैं, कुछ भी बात करने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी वी फैमिली का, धन्यवाद देना चाहूँगा एमआई लाइफस्टाइल का, धन्यवाद देना चाहूँगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और सबसे बड़ा धन्यवाद अगर मैं कहना चाहूँगा तो वो मेरे ग्रेड अपलाइन, जिसकी वजह से मैं इस काबिल बन पाया कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, और अगर वो नहीं होते तो शायद ये प्लेटफॉर्म में आप तक शायद पहुँचने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ऐसे ग्रेट लीडर एंड पर्सनालिटी जिनके बारे में पूरा इंडिया जानता है, और आप में से हर कोई शख्स जानते हैं ऐसे ग्रेट और महान शख्सियत रत्नेश तिवारी जी के लिए मैं चाहूँगा आप लोग अपनी जगह पर एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा सकते हैं, आपका एक्साइटमेंट पता चलेगा। थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों बात को शुरुआत करते हैं, आज दिन शनिवार का, और शनिवार का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होता है। क्यों लकी होता है? क्योंकि कितने लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सबसे अगर लकीस्ट डे अगर है तो वो सैटरडे है, और सैटरडे की शुरुआत मेरी, वैसे मेरे हर दिन की शुरुआत हनुमान जी का नाम लेकर होती है, लेकिन सैटरडे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा, आप सब लोगों का उत्साह मुझे समझ में आएगा आपके कमेंट से, धीरे धीरे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलते चले जाएगी, तो मैं चाहूँगा कि अपना एक्साइटमेंट और जोश जो है वो बना के रखिएगा, क्योंकि जोश जब आप में भी रहेगा और मैं जोश के साथ बात करूँगा तो हम सारे लोग एक साथ शायद कनेक्ट हो पाएंगे, और कनेक्ट हो पाएंगे तो बात दिल तक पहुँचती है, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। तो शायद दिल से अगर बात करेंगे तो दिल तक पहुँचेगी, तो शायद हम कुछ समझ पाएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे, ट्रेनिंग जैसी कोई चीज़ ये है नहीं है, कुछ शेयरिंग हम यहाँ पर करेंगे, जो आपस में बातचीत करेंगे उससे एक हल निकलेगा जो हम हमारी ज़िंदगी की ओर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा, नाम डी के नरवरे लिखता हूँ, रहने वाला एक छोटे से गांव का हूँ, एक साधारण परिवार से। तो मैं जस्ट आपसे 2 सेकंड लेना चाहूँगा, मेरा स्क्रीन शेयर मैं करना चाहूँगा, और स्क्रीन शेयर में जो पहला आपको दिख रहा है वो सभी को स्क्रीन शेयर क्लियर है सर? यस सर। यस जस्ट सेकंड सर। ओके, तो पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे स्टाइल के लोगों के साथ, दोस्तों चलो छूले आसमान को और उड़ चले देकर उड़ानों को, ये लिखा हुआ है कुछ वर्ड जो मुझे बनाना आता नहीं है, लेकिन कुछ मैंने सुना हुआ था, मुझे बड़ा इंस्पायर किया। साथ में हमारा वी फैमिली का लोगो लगा हुआ है, वी
मतलब हम और हम मतलब पूरा सभी के सभी एक परिवार की तरह, जो ये वर्ड ये लोगो जो है वो अपने आप में एक्सप्रेस करता है ये बात कि हम सब मिलके एक एक नया यूनिटी के साथ, एक कल्चर के साथ और बहुत बड़ी उपलब्धियों को पाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। तो सीधा नीचे नाम लिखा हुआ है डी के नरवरे, छोटा सा एक लेबल है, वी फैमिली के अंदर MINTC हूँ, वी काउंसिल मेंबर हूँ, माइलस्टाइन ने जो भी पहचान बनाई है और वी ने जो सपोर्ट से अपना सेल्फ का मुझे ये करने का मौका मिला, साबित करने का मौका मिला, तो सब कुछ MI और वी की ताकत है आज मैं जो भी हूँ। दोस्तों अगर परिचय की बात करूँ तो एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, एक छोटा सा गांव मतलब इतना छोटा गांव पर जहाँ पर तकरीबन थोड़ी बहुत ही घरों की बस्ती है, जहाँ पर तकरीबन 150-200 घर की बस्ती है, और ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जिसके गांव का नाम चारगांव है दोस्तों। चारगांव मतलब जिसके गांव के नाम में ही गांव लगा होगा, आप समझ सकते हैं कि मैं कितना एक देहाती मतलब इंटीरियर एरिया से हूँगा, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैं गाँव में जी रहा था, साधारण जिंदगी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता हम लोग बहुत कर रहे थे। समझौते से कि मैं हमेशा स्टेज से भी शेयर किया हूँ और मैं यहाँ से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी शेयर करना चाहता हूँ मेरी फीलिंग, कि जब सब लोग घर पे सो के उठते हैं दोस्तों, तो हम लोग भी सो के उठते थे, तो मेरे घर के सामने तकरीबन जो है वो 3-4 लोग खड़े होते थे। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई कर्जे वाले रहे होंगे या कोई फिर मांगने वाले रहे होंगे, ऐसा नहीं था दोस्तों। लोग इसलिए खड़े होते थे कि आज हमारे घर मजदूरी करने चलोगे क्या, आज हमारे यहाँ ये काम करने चलोगे क्या, आज हमारे यहाँ वो काम करने चलोगे क्या, ये काम के लिए न्योता देने वाले लोग खड़े रहते थे। उस समय में जब देखता था कि जिंदगी आखिर मतलब ये आखिर कब तक चलेगा, ऐसी लाइफ कब तक चलेगी, जब मैं देखता था तो मुझे पता चला कि जिंदगी में जब तक भी आपको जीना है और आपके पास औकात नहीं है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो हम मैंने क्या किया कि यार चलो हालात अगर कुछ अच्छे नहीं है तो मैं मम्मी पापा को चलो सपोर्ट करता हूँ, तो फिर मैंने क्या किया, मम्मी पापा को सपोर्ट करना शुरू किया और मैंने भी उनके साथ में मजदूरी करना शुरू कर दिया। हालात कुछ ऐसे हुए कि करते 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 ये कंडीशन आ गई कि अब जिंदगी बढ़ रही थी आगे, लेकिन दाल रोटी सिर्फ चल रही थी, खाना खा रहे थे और खा भी रहे थे, मतलब ये से बोलना चाहिए जिंदगी काट रहे थे। लेकिन उस समय फिर थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा मैंने शिकारपुर में एडमिशन लिया, अपने स्टडी करना शुरू किया, 8th तक मैंने गाँव में किया, उसके बाद शिकारपुर में एडमिशन लिया, तो बीच में मैं स्कूल से बहुत गैप मारता था। आप सोच रहे होंगे कि स्कूल से गैप मारने का मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट था। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो जब आपके पास हालात अगर अच्छे नहीं होते हैं ना, तो ऐसे घर में आप देखना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। मैं ये नहीं कहता कि जिनके घर में अच्छी सुख सुविधाएं होती है वहां इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट हर जगह होता है, आपके जो है वो पढ़ाई के लेवल और आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ इतने अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन मैं रुचि बहुत ज्यादा पढ़ाई में रखता था, बट मैं बीच में गैप इसलिए मारता था क्योंकि मुझे उस बीच में जाके अगर टाइम मिला तो 1 दिन 2 दिन हम मजदूरी करने के लिए जाते थे, ताकि हमारी पुस्तक कॉपी किताब सब हम जुगाड़ कर सके। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, पहले इतने हालात अच्छे नहीं थे कि पैदा आप करो और पालेगी सरकार, ऐसे हालात नहीं थे पहले, कुछ हालात अलग थे। अभी आज आपको पता है कि अगर एक न्यू कपल की अगर मैरिज होती है ना, तो आपको उसमें नाम जोड़ना है वोटर लिस्ट में या जो भी चीजें हैं उनको सब ऑलरेडी मालूम रहता है। अगर प्लानिंग आप कर रहे हैं तो आंगनबाड़ी वाली भाई को मालूम रहता है ना। अगर बच्चे का जन्म होने वाला है तो टीका कब लगने वाला है आपको मालूम होना हो, लेकिन वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको पहले से ऑलरेडी मालूम होता कि कौन सा टीका कब लगना है। ऐसे हालात में देखो तो पैदा होने का पर भी पैसा मिलता है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो आंगनबाड़ी वाले जो है वो उसको स्कूल में पकड़ के ले जाते हैं, उधर उसको सारी सर्विस मिलेगी, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको ड्रेस कोड भी मिलेगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको पुस्तक कॉपी किताब भी मिलेगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको मध्याह्न भोजन भी मिलेगा, और थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसको साइकिल भी मिलेगी। लेकिन पहले ऐसी सुख सुविधाएं नहीं थी, है ना, जो अभी, तो क्या आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन हम कुछ सब कुछ जुगाड़ करते थे, और जुगाड़ करके मजदूरी करके पैसे का अरेंज करके हमने पढ़ाई किया। पढ़ाई करते करते हालात ऐसे हुए कि थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा और कामयाबी मिली, जिसे हम कह सकते हैं कि 12वीं मैंने पास किया, और कॉलेज में जब मैं गया तो उसे मैं कामयाबी इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरा भी ऐसा ड्रीम था कि अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ तो अब तो मेरी अच्छी जिंदगी होगी। लेकिन जिस दिन मैं कॉलेज में गया तो मुझे उस समय दाल चावल आटे का भाव पता चल गया, क्योंकि फैमिली वालों ने जो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करने को कहा था या कर रहे थे स्टडी में, वो उस दिन हाथ खड़े कर दिए और ये कह दिया कि अब आगे हमारे बस का काम नहीं है, अब आपको जो भी है वो खुद देखना है। तो दोस्तों उस समय मैंने सोचा कि यार अब तो कुछ भी नहीं है, तो उस समय मुझे पता चला कि अब अपने को खुद का कुछ तलाशना चाहिए, तो मैंने तलाश शुरू की, और तलाश शुरू की तो कुछ ऐसी तलाश हुई कि
कि जहां पर मैं एक मेडिकल स्टोर में नौकरी देखा हुआ था, मेडिकल स्टोर में नौकरी देखा, और मेडिकल स्टोर में नौकरी दोस्तों मुझे 800 रुपये महीने की मिली हुई थी। 800 रुपये महीने की नौकरी आप समझ सकते हैं कि क्या जिंदगी में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे हालात चढ़ रहे थे और जिंदगी कट रही थी, लेकिन हमेशा मैंने स्टेज से शेयर किया हुआ है कि मैं किसी भी काम में अगर हूँ या किसी भी कोई भी काम अगर कर रहा हूँ तो मैं उसके तह तक जाता हूँ, और मैं तह तक उस काम के गया। और 800 रुपये महीने की जब मेडिकल स्टोर में नौकरी की तो 3 साल तकरीबन मैंने दोस्तों नौकरी की। नौकरी करने के बाद 3 साल बाद मुझे पता चला कि जिंदगी में अगर यही काम मैंने अगले 30 साल भी अगर किया तो मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन होगा। आप भी एनालाइज करिएगा अपनी जिंदगी के अंदर, जो भी आप काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, पर्सनली कोई काम कर रहे हैं या प्रोफेशनली कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन जरूर सोचिएगा कि आखिर आपने वो काम अगर लगातार अगले 30 साल तक अगर किया तो आप कहाँ पहुंचेंगे। मुझे नहीं पता अपने काम में आप कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन मुझे अच्छे तरीके से मालूम था कि मैं इस काम को अगर मैंने किया तो मैं अगले 30 साल में कहाँ पहुंचूंगा। तो आप में से हर किसी के सामने जवाब आएगा कि लगभग आप उन्हीं व्यक्तियों के समकक्ष पहुंचेंगे जो व्यक्ति उस काम को करके ऑलरेडी इतने साल बिता चुके हैं, तो वो कहाँ पहुंचे। तो मैंने थोड़ा सर्चिंग करना शुरू किया कि जिस प्रोफेशन में मैं हूँ अगर उनमें मैं देखूं कि लोग किधर पहुंचे हुए हैं, तो पता चलेगा कि उधर 20 साल 30 साल 15 साल देने के बाद भी कोई आदमी 7,000 रुपये महीना कमा रहा है, कोई आदमी 8,000 रुपये महीना कमा रहा है, और ये जिंदगी उनकी साधारण चल रही है। और साधारण जिंदगी अच्छी अच्छी चल रही है कि आप समझ सकते हैं कि साधारण जिंदगी में एक जब शादी हुई थी तो एक इंसान ने उस साधारण जिंदगी में मोटरसाइकिल एक इंसान को दहेज में मिलती है ना। चूंकि हम सब मध्य भारत के प्राणी हैं तो ये बात सब अच्छे तरीके से जानते हैं। और एक मोटरसाइकिल जो दहेज में मिलती है और मोटरसाइकिल की हालत क्या हो जाती है, तो वो आखिरी तक भी इंसान उस मोटरसाइकिल को बदल नहीं पाता है। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ भी अगर पहले तो मैं थोड़ा सा तह तक जाने वाला इंसान था, और मैं बचपन से मैं सोचता था कि जिंदगी के हालात आखिर कितने अच्छे हम कर सकते हैं, इतने अच्छे अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें आगे जाना है, हमें कामयाब होना है, तो ये दिमाग में हमेशा चलते रहता था। लेकिन हमारे पास रास्ता नहीं था। मेडिकल स्टोर में मैं टॉप शॉट लोगों को आते हुए देखता था, टाई शाई लगा के सूटेड बूटेड जब लोग आते थे, मैं सोचता था कि आखिर मेरी जिंदगी कब ऐसे होगी। तो ऐसी जिंदगी जो मेरी होगी तो वो मेरी तलाश जो खत्म हुई उस समय की, यार जिंदगी कब ऐसी होगी। तो एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई थी जो मेरे ग्रेट अपलाइनर सतीश खड़तिया जी, जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, और मेरे ग्रेट मेंटर एंड ग्रेट लीडर रत्नेश तिवारी जी, जिन्होंने मुझे पल पल सपोर्ट किया, और ऐसे सारे के सारे वी के लोग, और हमारे मेंटर दुर्गेश सर, मोहित सर, जिनकी बदौलत हम ये चीजें सीख पाए और उन्होंने हमें ये दे पाया, इतना शानदार प्लेटफॉर्म दे पाया। ऐसे पूरा का पूरा आपका वी फैमिली परिवार और वी फैमिली की नारी शक्ति सब लोगों का सपोर्ट मिला। स्लाइड मेरा मूव नहीं हो पा रहा है सर, स्टॉप शेयर करके करना पड़ेगा, जस्ट 2 सेकंड, माफी चाहता हूं। ओके, ऐसा पूरा वी फैमिली और पूरा परिवार मिला जिसकी वजह से मैं ये सब कर पाया। और उसके हालात की अगर मैं बात करूं तो मुझे जिंदगी क्यों बदलना था, मैं जिंदगी क्यों बदलना चाह रहा था, क्यों मेरे सपने थे, क्यों मैं आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत सारी तकलीफ देखी हुई थी। और ये मेरा घर आप देख रहे हैं, इतनी तकलीफ देखी हुई थी, घर के हालात आप देख रहे हैं। इस घर को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इस घर में सब लोग रहते थे एक साथ तो खुश बहुत रहते थे। ये सारे टीम के लोग हैं, फोटो पहले लेने के लिए मेरे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं हुआ करता था। जब जिंदगी बदल कर पा रहा हूँ तो पूरा वी फैमिली का जब मुझे ये विश्वास आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैंने माय लाइफस्टाइल शुरू किया। रत्नेश तिवारी जी ने पल पल मुझे सपोर्ट किया और एक दिशा निर्देश तय किया था कि सब कुछ मैं बदल के रखूंगा अपनी जिंदगी के अंदर। तो मैं अगर पुरानी लाइफ में अगर आपको मैं लेके जाऊं तो ये मेरा पुराना घर है जो बहुत अच्छा है, जिसे हम बोल सकते हैं कि बजट का था, जो पिताजी के द्वारा बनवाया गया था कई वर्षों से। आप समझ सकते हैं कि ऐसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ऐसे घरों में हम लोग रहा करते थे। और इस घर में सबसे बड़ी जो खास बात जो जुड़ी हुई थी मेरी, मैं जब मेडिकल स्टोर में काम करता था दोस्तों, और उस समय जब मैं छिंदवाड़ा से गाँव कभी जाया करता था, जब भी 8 दिन 15 दिन में जब भी मैं गाँव जाता था, और मेरी एक आदत है मैं हमेशा माँ बाप को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जब भी मैं घर से निकलता था तो माँ बाप के पैर छू के निकलता था दोस्तों। और जब मैं पैर छू के उनसे घर से निकलता था और जैसे ही मैं सर उठाता था, शायद मेरी फीलिंग को बहुत कम लोग समझ पाएंगे लेकिन अंडरस्टैंड करिएगा, ये फीलिंग शायद आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकती है। मैं जैसे ही सर उठाता था और उनकी आंखों में जब मैं देखता था
तो मुझे बहुत सारी उम्मीदें उनकी आंखों में मुझसे दिखाई देती थी कि अब लड़का जा रहा है, अब कुछ करेगा, अब कुछ लाइफ बदलेगा, अब जिंदगी में कुछ करेगा, हमारी उम्मीद की किरण जागेगी। ऐसा जब मैं उनकी आंखों में देखा करता था ना, तो मुझे अपने आप में एकदम ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर लूं, क्या कर पाऊंगा, क्या जिंदगी में कर पाऊंगा। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते थे कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन इसी हालात में जब चूंकि मुझे माइलस्टोन मिला हुआ था, तो उम्मीद मेरी बढ़ते चली गई, माँ बाप की भी मुझसे उम्मीद बढ़ते चली गई, और सही प्लेटफॉर्म का हाथ थामा, थोड़ा थोड़ा मेहनत करना शुरू किया, बिजनेस को देखा, लोगों को दिखाना शुरू किया। तो हालात इतने अच्छे नहीं थे पहले कि लोग हमारी बातों को समझ पाते, लेकिन हम रुके नहीं, थके नहीं, डटे रहे पिच पर, मैदान में डटे रहे दोस्तों, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करते चले गए और हालात बदलते चले गए। और वो नजरिया आज तक किस दिशा में पहुंचा हुआ, कुछ फोटोग्राफ्स के साथ भी मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि एक जब माइलस्टाइल शुरुआत किया था तो हालात कैसे थे, ये फोटो को देख के आप समझ सकते हैं कि पूरा जूता सहित अगर आप नापेंगे तो शायद 40-45 किलो वजन रहा होगा उस समय। ऐसे हालात मेरे थे, लेकिन माइलस्टाइल का साथ मिला, वी फैमिली का साथ मिला, और उस प्लेटफॉर्म के साथ में थोड़ा सा सम्मान का लेवल बढ़ा। जब थोड़ा सा अचीवमेंट मैंने किया, जिसे बोल सकते हैं कि राइजिंग स्टार लेवल की सक्सेस थोड़ी सी मिली, थोड़ा सा मेहनत करना शुरू किया, प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना और करना शुरू किया, विश्वास आया, काम को आगे बढ़ाया, तो थोड़ी सी सक्सेस मिली। और स्टेज पे जैसे ही मैं गया, तो एक बात की गारंटी हो गई कि डीके नरवरे, अगर तू स्टेज पे आ सकता है, कुछ लोगों को पीछे छोड़ के अपनी सफलता में आगे बढ़ के अगर आ सकता है, तो 100% तू और भी आगे जा सकता है, इस बात का यकीन इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं। जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया हुआ था वो मेरे साथ में है, जिस मेडिकल में मैंने व्यवसाय की शुरुआत की हुई थी वो मेरे साथ में है दोस्तों, वो स्टेज पे हैं, उन्होंने बिजनेस दिया हुआ था, उनका धन्यवाद। लेकिन जिंदगी के अंदर आपके कदम हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिंदगी के अंदर कोई आगे रहे पीछे रहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। मैं ऊपर वाले का हाथ पकड़ा, उनके साथ में आगे बढ़ा, वो मेरे साथ नहीं है आज की डेट में, लेकिन इस बिजनेस में मैं कभी रुका नहीं, ऊपर वाले का हाथ पकड़ा, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहा, आगे बढ़ता चला गया। जैसे मेरे अपलाइन ने कहा कि ऐसा आज की आज आपको करना है, ऐसी मीटिंग करना है, ऐसा ट्रेनिंग करना है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, छोटी छोटी मीटिंग से हमने कारवा की शुरुआत की हुई थी, होटल मीटिंग से शुरुआत की हुई थी। मेरे साथ के जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था वो सारे लोग आपको दिख रहे हैं, होटल मीटिंग आपको दिख रहा है, ग्रुप मीटिंग आपको दिख रहा है, होटल काउंसलिंग सर ने किया हुआ था, रत्नेश तिवारी सर, सतीश खड़े किया जी, वो आपको दिख रहे हैं, साथ में हमारे चैंपियंस दिख रहे हैं। साथ में उस समय यहाँ पर प्रोडक्ट छिंदवाड़ा में नहीं मिला करता था दोस्तों, तो हम लोग कभी भोपाल, कभी इंदौर, कभी जबलपुर, कभी नागपुर, इधर से प्रोडक्ट लाया करते थे। आपको ये इंडिया शॉपी की प्रोडक्ट सॉरी इंडिया शॉपी भोपाल का आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, इंडिया शॉपी भोपाल का ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। कूपन पहले ऐसे मिला करते थे, ऐसे हम प्रोडक्ट ला के लोगों को दिया करते थे, ऐसे हालात में हमने काम किया। आज हर जगह नहीं तो ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, ऑफलाइन सर्विसेज अवेलेबल है, सबको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इस फोटो में आप देख रहे हैं दोस्तों, एक अचीवमेंट मुझे हमारे मेंटर श्री दुर्गेश त्रिपाठी जी और मोहित टंडन जी, जो हमारे वी फैमिली के कर्ता धर्ता है, फाउंडर एंड को फाउंडर है दोस्तों, उनके हाथों से मुझे एक ट्रेनिंग की सीढ़ी मिली हुई थी। उस दिन मेरा सीना चौड़ा हो गया था कि ऐसी शख्सियत से अगर मुझे सम्मान, चाहे कितना ही बड़ा हो सम्मान या कितना ही छोटा हो, लेकिन सम्मान मिला है, तो एक बात की गारंटी है कि जिंदगी के अंदर अपन इस लायक तो है कि कुछ और भी आगे कर सकते हैं। और लगातार ये विश्वास बढ़ते चला गया दोस्तों, आगे बढ़ते चले गए। सन 2014 में पहली बार जब हमने बिजनेस के शुरुआती दौर में पहली बार थाईलैंड का टूर आया हुआ था, पहली विदेश यात्रा का टूर आया हुआ था, पहला विदेश यात्रा मैंने अचीव किया दोस्तों। और विदेश यात्रा अचीव करने से जो मेरे अंदर विश्वास आया, लेकिन इस स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं तो सबसे दबा हुआ आइटम अगर कोई नजर आ रहा है, या दबा हुआ इंसान सबसे पीछे खड़ा हुआ अगर नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं, मैं कर्सर यहां पर ले जा रहा हूं, ये डीके नरवरे पीछे खड़ा हुआ है, एकदम जैसे बोल सकते हैं कि सबसे एकदम पीछे खड़ा हुआ इंसान। जो फोटो ने मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया, वो पहली विदेश यात्रा शायद मेरे साथ पीढ़ी के अगर रिकॉर्ड में देखेंगे या आसपास के सोशल स्टेटस में देखेंगे, तो आज तक दोस्तों किसी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ है, लेकिन मैं ये कर पाया, ये जिंदगी में ले पाया और अपने आप को आज जी रहे हैं। लेकिन ये पहला विश्वास पहली विदेश यात्रा से, इतने बड़े स्टेज से मिला हुआ था दोस्तों। और उस दिन एक प्रण लिया हुआ था कि आज अगर अद्भुत काम, फॉरेन ट्रिप अगर अचीव किया है, तो लगातार अपने को
अपग्रेड करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ये प्रण लिया हुआ था और लगातार यात्राएं करते चले गए। लोकल ट्रिप, नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप सब होते चले गए। शिमला मनाली टूर, 5 सितारा होटल से लेकर नॉर्मल होटल, लग्जरी होटल, सारी लाइफ जीने का मौका मिला और ये जिंदगी आगे बढ़ती चली गई। और आज से तकरीबन कुछ समय पहले, कुछ साल पहले की अगर बात करूं तो मेरा एक सपना पूरा हुआ था। काम करते करते एक कार मैंने लिए हुए थी जिसका नंबर है दोस्तों 3916। ये नंबर कोई अरेंज करके मैंने नहीं लिया हुआ था, ये नंबर किस्मत से मिला हुआ था, जिसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि 3 3 9 मतलब दिन 3 गुना और 4 4 16 मतलब रात 6 गुनी। ये तरक्की करने का विश्वास दिमाग में आया, ये पहली कार ने मुझे इतना विश्वास और इतना मोटिवेशन दिया दोस्तों कि मैं उसके बाद कभी पीछे झांक के देखना भी पसंद नहीं किया। हमेशा आगे बढ़ता गया, मेंटर्स को फॉलो करता गया और हर घड़ी में सिर्फ मुझे एक ही बात याद थी कि अगर थोड़ा बहुत भी अपन जो कर सकते हैं तो इससे बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कर सकते हैं। जिस दिन ये कार लिया, अपना एक प्रण लिया कि यहीं पर रुकना नहीं है, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं, तो मुझे कभी रुकना नहीं है। मैंने एक कार लिया, जब आगे जिंदगी बदलाव शुरू हुआ तो आगे बढ़ते चले गए और वहीं पर कारोबार रुका नहीं। और एक समय ऐसा आया दोस्तों कि आज से तकरीबन 2 साल 2.5 साल पहले मैंने दूसरी कार लिया, हुंडई क्रेटा 15 लाख रुपए की लग्जरी कार जिससे मैं चलता हूं, जहां पर मेरे मेंटर्स हैं रत्नेश तिवारी सर है और विधि भाभी है। मेरे माँ बाप की खुशी आप देख रहे हैं, मम्मी पापा की चेहरे की मुस्कान आप देख रहे हैं, पूरा टीम भी है साथ में, हमारे लीडर्स हैं राम सर है, राजेंद्र सर है, इधर आशीष सर हैं और सारे लोग हैं, सभी के सभी लोग साथ में हैं। और इन सारे लोगों के साथ में वो गाड़ी, लग्जरी गाड़ी उठाने का मौका मिला और आज उस गाड़ी से मैं जिंदगी चल रहा हूँ उस गाड़ी से, और आगे बहुत बड़े बड़े टारगेट्स जो जिंदगी के अंदर लेके रखे हुए हैं। दूसरा, जब मैं गाँव में देखा तो पुराने घर की फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाया हुआ है, पुराने घर की फोटोग्राफ्स आपने देखा, उसी जगह में ये नया घर बना हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते थे दोस्तों कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आखिर बदलाव आपका नजर क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग बोलते थे, बहुत सारे लोग कमेंट करते थे। मैं बोला कोई बात नहीं, जिंदगी में आपको दिखाना नहीं है, अपने आप को प्रूव करना है, रिजल्ट तो अपने आप दिखेगा। और दोस्तों उसी पुराने घर में जहां लोग बोला करते थे कि एक कुछ अगर हिम्मत है तो एक नया घर थोड़ा सा बड़ा नहीं तो छोटा ही बनवा लें, तो उस समय एक जिद सवार थी कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा करना है जो हर आदमी नहीं कर सकता, वो काम अपने को करना, तो एक टारगेट लिया हुआ था। आज अगर लोग दोस्तों 30 लाख रुपए की लागत का तकरीबन ये घर मैंने गांव में बनाया हुआ है, आज अगर कोई पूछता है कि डीके नरवरे का घर अगर उस गांव में किधर है, चार गांव में, तो दोस्तों मैं एड्रेस नहीं बताता कि किस वाले एरिया में ये घर है, बल्कि मैं लोगों को ये बताता हूं कि चार गांव में आप देख लीजिएगा, जो सबसे अच्छा घर आपको नजर आवे उधर ही चले जाइएगा, वो घर अपना मिलेगा। ऐसा मैं लोगों को आज की डेट में बोलता हूँ, कोई भी चाहे तो इसे देख भी सकते, टीम के बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है। और ये सपना ही मतलब ये बड़ा सपना नहीं है, ये तो सपना था, लेकिन जैसे जैसे सपने पूरे होते चले जा रहे हैं, सपनों की परिभाषा मेरी लाइफ में और बदलते चली जा रही है और इतना बदलाव होते चला जा रहा है दोस्तों कि जिसके बारे में मैं बात कहूं तो कभी मैं सोच नहीं सकता था, ऐसी लगातार जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है, देश विदेश की यात्रा मिल रही है, घर बदलने का मौका मिला, गाड़ी बदलने का मौका मिला और लगातार इनकम में परिवर्तन हुआ। और एक 800 रुपये कमाने वाला इंसान दोस्तों आज प्रतिदिन की आमदनी की मैं अगर बात करूं तो तकरीबन अगर पर डे की इनकम की बात कर लिया जाए तो 8 से 9 हजार रुपए प्रतिदिन की इनकम इस शानदार प्लेटफॉर्म से, माय लाइफस्टाइल से और वी फैमिली के सपोर्ट से हो रही है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म का जिसकी वजह से ये सब चीजें हो पा रही है। लेकिन आखिर इतनी इनकम, लग्जरी कार, ये बढ़िया शानदार घर, आखिर ये सब हुआ कैसे, हुआ कैसे, अगर इसके बारे में मैं अगर कुछ बातें अगर आपसे कहना चाहूं तो थोड़ा बातों को समझिएगा, थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सब कुछ परिवर्तन अगर हुआ है तो आपकी और हमारी जिंदगी में एक कुछ निर्णय से होता है, आपके एक डिसीजन से होता है। और ये डिसीजन जरूरी नहीं है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते तब होता है या फिर आप बहुत कुछ कर जाते तब होता है, ये डिसीजन आपकी जिंदगी के अंदर एक पिक पॉइंट होता है, एक कोई बात होती है जो दिमाग में क्लिक कर जाती है और बस उस दिन से एक नया जो मुकाम है इंसान तय करने की ओर अग्रसर हो जाता है दोस्तों। और ऐसा मेरी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे मूवमेंट हुए जहां पल पल मैंने बदलाव करना शुरू किया, अपने आप को प्रूव करना शुरू किया और उसकी वजह से ये सारे सब कुछ होते चले गए। तो यहां पर मैं स्लाइड को फिनिश करूंगा और हम बात करना शुरू करेंगे
और डिस्कस करना शुरू करेंगे आगे की चीजें कि आखिर ये सब कुछ संभव कैसे हो पाया। तो शायद मैं अगर देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं। आगे कुछ बातें शेयर करता हूँ और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के अंदर, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और मैं वही अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आपकी कमेंट से ही मुझे पता चल पाएगा कि क्या मेरी बातें सभी को समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो रिप्लाई भी थोड़ा अगर मिलते रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे साथ एक रीजन था, धरती के अंदर अगर आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो हर कोई इंसान कुछ ना कुछ कारण लेके आया हुआ है। कितना कारण लेके आया है, किसका कितना बड़ा रीजन है, किसको क्या करना है जिंदगी में, कहाँ पहुंचना है जिंदगी में, क्या मकसद है, किसको गाड़ी चाहिए, किसको बंगला चाहिए, किसको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, हर किसी का कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल है। कोई ड्रीम आपका है जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, लेकिन मैं एक ही बात अगर कहना है जो मेरा कॉमन था कि वो ये है कि अगर इस धरती पर कुछ बड़ा करने के लिए अगर अपन नहीं आए होते तो हम माइलर स्टाइल में बैठ के या माइलर स्टाइल की मीटिंग या माइलर स्टाइल इंडस्ट्री को अपन स्टार्ट ही नहीं करते वी के साथ। कहीं ना कहीं किस्मत तो हमारी बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं कनेक्शन भी हमारा ऊपर वाले के साथ बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हमें एमआई जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। और जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हीं को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री समझ में आता है, और जिनके बहुत ही ज्यादा बड़े सपने होते हैं उनको एमआई लाइफस्टाइल समझ में आता है, और जिसमें पूरा करने का दम होता है उसे वी फैमिली समझ में आती है दोस्तों। और वी के साथ 100% ये सारी चीजें जिंदगी के अंदर आपके साथ भी हो सकती है जो मेरे साथ हुई है। और टारगेट बहुत बड़ा है आगे, क्योंकि 2021 में एक 50 लाख रुपए का अपना घर और 50 लाख रुपए की गाड़ी, ये 2021 का मेरा ड्रीम है दोस्तों। कितने लोगों को पता नहीं अभी डाइजेस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ये 100% है, क्योंकि मैंने जो बोला है मैंने वो किया है, और जितना मैंने बोला है उतना अगर कर पाया हूं तो इस बात पर भी आपको यकीन हो रहा होगा कि जो मैं कह रहा हूं इसे भी 100% पूरा करने का दम मैं रखता हूं। और मैं अकेला शायद अगर ये सोच पाता या कोई और काम में अगर होता तो शायद मैं ये हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन एमआई जैसा प्लेटफॉर्म है, डायरेक्ट शैली जैसी इंडस्ट्री है, एमआई जैसा प्लेटफॉर्म है प्रूवन, और वी जैसा सपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, तो 100% नहीं 1000% इस बात का यकीन है कि ये मेरे साथ होगा। और यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जो अपनी जिंदगी के अंदर सोच रहा है वो उसकी जिंदगी के अंदर भी ये घटना जरूर होगी। आप विश्वास करिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। आगे कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं कि आप अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो हर कोई जो अपना कारण लेके आया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी से जो भी इंसान अगर जाए तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ इंसान का कुछ टारगेट होता है, कुछ इंसान का कुछ टारगेट होता है। कोई इंसान जिंदगी में बहुत सारे अचीवमेंट करके, सक्सेस प्रोफाइल बना के, कुछ भी करके जब जाता है तो कोई परिवार के लोग रोते हैं, मोहल्ले के लोग, और कुछ लोग बोलते हैं कि यार अच्छा आदमी था बेचारा चला गया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन अपन इस धरती से अगर उठे ना तो पूरा गाँव नहीं, पूरा मोहल्ला नहीं, और आपके सब रिश्तेदार नहीं, पूरा शहर आपके लिए कम से कम रोना चाहिए, और हजारों लाखों लोगों की आंखों में कम से कम आंसू होना चाहिए कि यार आपने कुछ जिंदगी के अंदर करके गए हैं, और आपकी कमी लोगों को खलना चाहिए। तो जिंदगी के अंदर कोई ऐसा इमोशनल ड्रीम आपका होना चाहिए। मेरा इमोशनल ड्रीम है जिस दिन इस धरती से अगर जाएंगे तो सिर्फ परिवार नहीं दोस्तों, दोस्त नहीं दोस्तों, हजारों नहीं लाखों लोगों को ये बात की कमी होनी चाहिए कि आपने कुछ अच्छा करके धरती के अंदर गए हैं। तो एक इमोशनल ड्रीम किसी का हो सकता है, मेरा इमोशनल ड्रीम है जिंदगी के अंदर आए हैं तो कुछ ऐसा नया करके जाना है, कुछ अद्भुत करके जाना है कि लोगों को आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, सालों साल तक आप लोगों के दिलों में जिंदा होना चाहिए। कितने 60-70 साल तो जीने के लिए सर हर कोई आए हुए हैं, कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 40 साल में चला जाता है, और कोई 100 साल में भी नहीं जाता, और कोई दोस्तों हजारों साल, सैकड़ों साल के लिए अमर हो जाता है। तो आपने अगर कुछ ऐसा करके गए हैं, सैकड़ों लोगों की लाइफ बदल के गए, हजारों लोगों की लाइफ बदल के अगर गए हैं तो आप हजारों लोगों की जिंदगी में, दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कुछ ऐसा करने का हमारा रीजन होना चाहिए। मेरी भी ऐसी एक अद्भुत चाहत है कि समाज के अंदर, परिवार के अंदर कुछ अगर करना है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है कि जो भी आपको बड़ा अचीवमेंट करना है, मेहनत करना है, सक्सेस प्रोफाइल बनाना है, जो भी आपको करना है, इसकी शुरुआत होती है कि आपको सबसे पहले अपने मोहल्ले में नंबर 1 होना पड़ेगा।
आपको सबसे पहले अपने मोहल्ले में नंबर वन होना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने गांव में नंबर वन होना पड़ेगा, उसके बाद आपको उससे पहले अपने शहर में नंबर वन होना पड़ेगा, उसके बाद अपने अगर एरियाज में बात करूं तो आपको नंबर वन होना पड़ेगा। और ये नंबर वन धीरे 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 बढ़ते पायदान बढ़ाते थोड़ी 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 लेती हुई सफलता के साथ आप 100% नंबर वन हो सकते हैं। आपकी रैंक पे आपको नंबर वन होना पड़ेगा, आपके एरियाज में अगर आप पीसी हैं तो आपको अपनी रैंक पे बाकी से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि एवरेज जिंदगी मुझे जीना नहीं है, साधारण जिंदगी मुझे जीना नहीं है, कुछ अद्भुत करना है। भीड़ से हटके करने की आपकी चाहत होनी चाहिए। जिस दिन आप भीड़ से हटके काम करने की चाहत रखेंगे, अचीवमेंट करने की चाहत रखेंगे, ध्यान रखिएगा ऊपर वाला आपका 100% साथ देता है, लेकिन ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप ईश्वर का उस वक्त का साथ देते हैं नहीं देते हैं। ऊपर वाला आपका 100% साथ देता है। ये रीजन के साथ अगर काम करेंगे तो 100% हमें ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, अब उस रीजन पर आते हैं कि आखिर हमें इस समय में अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हम हैं तो हमें क्यों के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा कि क्यों अपने को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और क्यों अपने को एमआई और क्यों अपने को वी फैमिली। इसमें मैं अगर कुछ बात करूं तो चर्चा कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां से शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि आज हमें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं आपसे डिस्कस करने के लिए, बहुत सारे दिमाग में शब्द है आपसे चर्चा करने के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा शब्दों के साथ हम बात करेंगे। वो ये है दोस्तों कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही आखिर हमें क्यों करना चाहिए। आज हमें अगर अपने सपनों की जिंदगी अगर जीना है, आज हमें अगर अपने मन चाहा जीवन अगर जीना है, या आज अपने को जरूरत से ज्यादा अगर पैसा कमाना है, या आज मुझे अगर अच्छी कार चाहिए, या आज मुझे अच्छा घर चाहिए, या आज मुझे अच्छी लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, या मैं अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए अच्छा कुछ अगर करना चाहता हूँ, और सब छोड़िए मैं अपने घर में अपने माँ बाप का अगर अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ, या अपनी बीवी का अच्छा पति अगर बनना चाहता हूँ, या अपने बेटे का अच्छा बाप अगर बनना चाहता हूँ, या अच्छी माँ बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आज की डेट में ये सब कुछ अचीवमेंट पाने के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म है दोस्तों तो इकलौता प्लेटफॉर्म है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, जिसे कहा जाता है दोस्तों। और इस दुनिया का अद्भुत व्यवसाय है, जो आप चाहते हो वो सब आपको मिलेगा, जो भी आप चाहते हो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन पहले आपको यह तय करना है कि आपको जो चाहिए उन पर आपको भरोसा है या नहीं। अगर आपको भरोसा है तो 100% वो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी जिंदगी के अंदर चाह रहे हैं। यकीन मानिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी के अंदर कभी शायद उम्मीद नहीं थी, ऐसे लोग आज बहुत अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं दोस्तों। तो 100% आपकी जिंदगी में भी ये होगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा उद्योग है दोस्तों जिसको शायद रंक से लेकर राजा तक बनाने का दम रखता है। मेरा कोई आइडेंटिटी नहीं था दोस्तों, छिंदवाड़ा के अंदर एक आदमी पहचान का नहीं था, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने इतना बड़ा पावर दिया कि पूरी इतनी बड़ी पहचान, आज नेशनल लेवल की रैंक दिया, इतना बड़ा मान सम्मान, जिधर भी जाओ तो आज थोड़े जो है अच्छे लेवल पे रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, लोगों की तालियां मिलती है, सब कुछ अगर हो पा रहा है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जहां पर ये सब चीजें संभव। अदरवाइज में कोई नौकरी कर रहा होता, या मैं कोई बिजनेस कर रहा होता, या अगर मैं खेती कर रहा होता, तो उधर कोई आपको इतना सम्मान, इतना वैल्यू, इतना रिस्पेक्ट और इतना पैसा भी कमाने का मौका वहां पर नहीं मिलता। मैं नहीं कहता कि नौकरी व्यवसाय ये चीजें गलत है, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन जो चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए यहाँ पर मिल सकती है वो चीजें दूसरा दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में दोस्तों उस लेवल तक संभव नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है और युवाओं को ये रोजगार देती है, देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा है जो यूथ को छोटे से जमीन के पायदान से लेके बहुत बड़े शिखर तक पहुंचाने का दम रखती है। कोई भी उम्र में इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, उम्र का कोई बंधन नहीं है।
आपके अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी बिजनेस में दोस्तों एरियाज का बाउंडेशन होता है, यहाँ पर कोई बंदी से नहीं है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, देश के कोने कोने तक, दूसरे देश तक आप कहीं भी कर सकते हैं। इतना मतलब शुद्ध व्यवसाय है ये, और 100% गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद आपको पैसा आता है। तो हर जगह आप सपोर्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों का भला अगर करना है तो आपके जीवन में सबसे बड़ा योगदान अगर कोई इंडस्ट्री दे सकती है तो वो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी भर मेहनत नहीं करनी है, कुछ ही साल आपको अगर मेहनत करना है और जिंदगी सुकून से जीना है, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सही समय में काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब कुछ आपको देता है। आप आध्यात्मिक अगर कुछ करने में विश्वास रखते हैं तो आपके पास टाइम होगा, आपके पास पैसा होगा, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और आप सुबह से लेकर शाम तक आप सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का काम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के माध्यम से आप कर सकते हैं, और हजारों लोगों की जिंदगी का एक नया मोड़ आप दे सकते हैं, और लाखों लोगों की जिंदगी के आप सपने पूरे करवा सकते हैं। दोस्तों ये पावर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का इतना सारा अद्भुत व्यवसाय है, इसके बारे में शायद मैं अगर 3 दिन भी बात करूं तो शायद कम पड़ेगा। ऐसा प्योर व्यवसाय है जहां पर एकदम चोखा हिसाब रहता है दोस्तों, और आप हर किसी की नजर में एक वैल्यूबल इंसान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव करने का कारण आप बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसकी जिंदगी में आप बदलाव कर रहे हैं ना, रिस्पेक्ट का लेवल इतना होगा कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं, और आपका लेवल लोग कैसे करते हैं मैं तो हैरान हूँ। आज मैं अगर बात करूं पूरे वी के, हमारे मेंटर्स के अगर बारे में बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर किस लेवल पर उनको देखा जाता है, किस लेवल पर वैल्यू की जाती है, कई लोग भगवान की तरह मानते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर सर नहीं होते तो हमारी जिंदगी में ये नहीं होता। आप सोचिए नेटवर्क इंडस्ट्री आपको क्या से क्या दे सकती है, आप कभी में शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकता जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको अपनी लाइफ के अंदर देती है। दोस्तों दूसरा अगर मैं पॉइंट पर आऊं तो व्हाई एमआई ही आखिर आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आज की डेट में सैकड़ों कंपनियां हैं दोस्तों, सैकड़ों कंपनियों में अभी आपने देखा होगा तो अभी तो बाढ़ सी आई हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे कुछ भी हो रहा है। लेकिन वाई एमआई ही आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि एमआई ही इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी फीलिंग के साथ, आपके सपनों को आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके सपनों के हिसाब से आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, और जिस हालात में शायद आप मुश्किल हालात में भी होंगे तो उसमें भी आपको उभारने का काम करेगा। इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर प्रूवन कोई प्लेटफॉर्म है तो MyLifeStyle है। अगर इसकी कुछ खूबियां के बारे में मैं अगर बात करूं तो YMI में मैं अगर बात करूं दोस्तों तो 5 P यहां पर होते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी आप जानते हैं। पहला होता है जिसे हम बात करते हैं प्रमोटर्स। आप ऑलरेडी ऐसे मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट हैं जिन्होंने कई वर्षों से अपने रिकॉर्ड को प्रूव किया हुआ है। नया कोई मैनेजमेंट नहीं है दोस्तों जो नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर अपना बहुत सारा जो रिकॉर्ड है कई वर्षों से प्रूव किया हुआ है, ऐसे मैनेजमेंट के साथ है। मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ये होते हैं जिंदगी के अंदर, आप हमारे साथ आ जाइए सर, हम आपकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे। बेचारा खुद की स्कूटर नहीं बदल पा रहा है और आपकी जिंदगी में आपको कार दिलाने की बात करता है। लेकिन ये वो मैनेजमेंट है दोस्तों जिसने सैकड़ों हजारों की संख्या में अचीवमेंट कराए हुए हैं, आज बहुत बड़ा प्रोफाइल बनाया हुआ है। साइंटिस्ट का पैनल देख लो, R&D हमारा देख लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात कर लिया जाए तो सैकड़ों प्रोडक्ट्स पे रिसर्च होने के बाद मार्केट के अंदर प्रोडक्ट्स आए, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो टॉप क्लास का मैनेजमेंट है जिन्होंने प्रूव करके दिखाया हुआ कहां नहीं है। इस विपरीत हालात में जहां पूरी दुनिया की इंडस्ट्री घुटने टेक चुकी है, लोगों की जिंदगी आगे बढ़ाने में शायद मददगार भी साबित नहीं हो पा रही है, लेकिन ऐसे हालात में MyLifeStyle जैसा मैनेजमेंट आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहा है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहा है, अपने पास से एक्स्ट्रा सपोर्ट कर रहा है। सर 750 का कूपन आपको 10,000 के प्रोडक्ट्स पर दे रहा है, 15% का आपको प्रोडक्ट्स पर आपको अलग से बेनिफिट दे रहा है, 15% आपको अलग से प्रोडक्ट उस पर मिलेगा, आपकी खरीदारी लगातार अगर आप 6 मंथ करते हैं तो एडिशनल सपोर्ट है। बाकी इंडस्ट्री थम सी गई है लेकिन MyLifeStyle जैसे मैनेजमेंट ने इस समय में इस बात को प्रूव करके दिखाया हुआ है,
ना तो प्रोडक्ट के लिए डिले किया और ना ही तो पेमेंट एक दिन के लिए डिले किया। दोस्तों अगर आपका बुधवार का पैसा बुधवार को आता है तो सूरज इधर की वजह चाहे इधर से उग सकता है, लेकिन माइलस्टाइल का पैसा बुधवार से कभी लेट नहीं हुआ दोस्तों। ये पावर एमआई मैनेजमेंट ने ये विश्वास आपको दिया है और इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए हमें। ऐसे मैनेजमेंट के साथ हमें काम करने का सौभाग्य मिला हुआ है। तो प्रमोटर्स बहुत बहुत बड़े लेवल पर है, जहां पर दुनिया की सोच खत्म होती है वहां पर एमआई मैनेजमेंट की सोच शुरू होती है दोस्तों। ये पावरफुल एमआई मैनेजमेंट है। दूसरे पेपर में आता हूं दोस्तों, वो फाइल अपने आप में परफेक्ट है। ये कहता नहीं है कि हम ये करेंगे, ये मैनेजमेंट ने ये कह चुका है कि हम ये कर चुके हैं। आप देख लीजिए, इतना काफी है बताने के लिए। तो आपकी भी जिंदगी में 100% परिवर्तन होगा। और जितना प्रोफाइल आज हजारों की संख्या में रैंक अचीवर है दोस्तों, हजारों की संख्या में रैंक अचीवर है, हजारों की संख्या में फॉरेन ट्रिप अचीवर है, हजारों की संख्या में कार अचीवर है, लग्जरी कारों की लाइन लगी हुई है। आज जो भी चाहे आप देख लें, फॉरेन ट्रिप से देख लें, रैंक से देख लें, लग्जरी कार प्रीमियम का जो भी आप देख लेंगे, बहुत बड़ा प्रोफाइल माइलस्टाइल ने ऑलरेडी बना चुका है। ये कह नहीं रहे हैं कि हम ये करेंगे, इन्होंने कर चुके हैं। आप देख लीजिए आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है, या और अपन अचीवमेंट देखेंगे इसके बाद आएंगे। सर गंजे में चावल पकाए कि नहीं दाना एक देखा जाता है, माइलस्टाइल ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है, इतना पर्याप्त है। आज भी सीरियस होने की जरूरत है दोस्तों, और आज भी अपने को माइलस्टाइल का प्रोफाइल इतना प्रूवन बन चुका है, इसे देख के डे बाय डे ग्रोथ करने की जरूरत है, इसलिए माइलस्टाइल के साथ होने की जरूरत है। तीसरे पेपर में अगर आता हूँ, प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो कहीं से भी मार्केट के अंदर, तो आप देखोगे सर तो तीन चीजें ज्यादा चल रही है, नोनी आमला एलोवेरा, इसके दम पर मार्केट के अंदर पूरे व्यवसाय हो रहे हैं। लेकिन एकलौता माइलस्टाइल मैनेजमेंट है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ, मतलब प्रोडक्ट्स पर सैकड़ों रिसर्च करने के बाद प्रोडक्ट्स मार्केट में दिए जा रहे हैं, और ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स आज माइलस्टाइल के पास है जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, और वो बहुत अच्छे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। हमारे प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी जो है 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतने बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया 100% गोल्डन वेज कैप्सूल है, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोडक्ट्स को तैयार किए गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे आयुष के प्रीमियम मार्क से सर्टिफाइड करके दिए गए हैं। तो आप इस बात का आकलन कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या होगी, और प्रोडक्ट जो है दोस्तों वैल्यू वर्थ प्रोडक्ट है। जो पैसा आपने दिया है एक्चुअल में उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है। प्रीमियम रेंज भी आपको मिलेगी, क्लासिक रेंज मीन्स नॉर्मल रेंज भी आपको मिलेगी, दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स हैं हमारे। और सच में अगर देखा जाए तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हर घर की जरूरत है या नहीं। और जिस दिन से मैं माइलस्टाइल का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है आपको बताते हुए, और बहुत प्राउड फील होता है हमेशा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए कि हर घर के यूज का प्रोडक्ट आज माइलस्टाइल के पास आपको मिलेगा और हर घर की जरूरत का प्रोडक्ट्स मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे गुड मॉर्निंग की गुड नाइट भी हैं, जिन्हें आप यूज करके बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो तीसरा पी प्रोडक्ट के रूप में मैंने आपको बताया। चौथा पी आते हैं दोस्तों प्लान। माइलस्टाइल का प्लान इतना इजी है दोस्तों, तीन बार अगर किसी अंगूठा छाप को बता दो ना, चौथी बार वो आपको समझा देगा, इतना इजी है। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर माइलस्टाइल एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जहां पर प्लान इजी है, डुप्लीकेबल है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं तो सर कोई भी चीजें आपकी डुप्लीकेबल होना चाहिए, प्लान आपका डुप्लीकेबल होना चाहिए। अदरवाइज अगर डुप्लीकेबल नहीं होता तो डीके नरवरे आज भी 2-4-5 हजार रुपए महीने के कमा रहा होता दोस्तों, लेकिन टीम के अंदर इतने सारे लोग सीख पाए, इतने सारे लोग काम कर पा रहे हैं। इसका रीजन क्या है, इतने सारे लोग कर पा रहे हैं क्योंकि आसान है, प्लान आसान है। क्या आपने देखा है, तीन चीजें आपको याद रखनी है। हमारी क्लासिक रेंज में 35% का बीबी मिलता है सर, क्लासिक रेंज में 35% बीबी। हमारी प्रीमियम रेंज में जो है वो 75% बीबी, दोनों ये दो तरीके की बीबी हुए। जो भी आप खरीदारी करते हैं, अगर जो भी खरीदारी आप करते हैं और लेफ्ट राइट में जो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है, ऑर्गेनाइजेशन वन और ऑर्गेनाइजेशन टू जो भी बिजनेस वॉल्यूम होता है, इसका मैच करके मैचिंग बीबी का 12% अनलिमिटेड टॉप टू बॉटम डेप्थ तक आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे गया तो आपका कम हो जाएगा, किसी के नीचे गया तो कम हो जाएगा, कोई 10वें नंबर पे है तो 9% मिलेगा, कोई 50वें नंबर पे तो 8% मिलेगा, नहीं। टॉप टू बॉटम अनलिमिटेड डेप तक मैचिंग बीवी का मैक्सिमम 2,10,000 रुपए हफ्ते का मिलता है सर, एक आईडी पर हफ्ते का 2,10,000 आपको मिलता है। मैक्सिमम जो है महीने का अगर बात करें तो 8,40,000 हो गया, और साल का 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम आज माइलस्टाइल आपको दे रहा है।
और रिपर्चेज अवार्ड और रैंक इनकम और परफॉर्मेंस बोनस और ये ढेर सारी इनकम का रिकॉर्ड आप देख लेंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों रैंक को जिस रैंक पर है उस रैंक पर बहुत अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, लाखों रुपए लोग, लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर कमा रहे हैं और इतना बड़ा प्रोफाइल आज माय लाइफस्टाइल बना चुका है दोस्तों। इतना बड़ा प्रोफाइल इस आसान प्लान के दम पे बना पाया, एकदम सिंपल एंड इजीएस्ट प्लान है जिसकी वजह से आज सारे के सारे लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं और यहाँ छिंदवाड़ा नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा प्रोफाइल लोग बना पा रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे जो लास्ट में अगर कोई आता है पांचवा पी तो वो है पार्टनर्स। अब जिस बैनर तले है दोस्तों आपको बड़ा प्राउड फील होना चाहिए इस मोमेंट के बारे में, तो मैं अपने आप के बारे में बयां नहीं कर सकता। इस वी फैमिली ने, ये पार्टनर जो है हमारा वी फैमिली, मध्य भारत की नंबर वन टीम जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो वी है, ये जो लोगो है, इस लोगों के अंदर ना सिर्फ वी नहीं है, ये वन टीम वन ड्रीम भी नहीं है, ये फीलिंग है। जो इसकी कीमत समझ सकता है दोस्तों, इसकी कीमत लाखों करोड़ों में से भी ज्यादा है, क्योंकि एक बैनर है ये जिस बैनर के तले सैकड़ों लोग अपनी जिंदगी के अंदर जो निराश थे, कहीं जिंदगी में कुछ हो नहीं पा रहा था, वो लोग आज इस बैनर तले फीलिंग के साथ काम करके अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं और ऐसे मेंटर्स की मेंटरशिप में के माध्यम से काम करके जो चाहे जिंदगी के अंदर वो पा रहे हैं दोस्तों। इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है आज अपने आप में, जिसके बारे में शायद मैं शब्दों में अगर बताऊं तो मैं अपनी फीलिंग बयां नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों में फीलिंग नहीं पहुंचाई जा सकती। ये तो दिल में रेस्पेक्ट है कि आज हमारे रत्नेश तिवारी सर, जब द वॉइस ऑफ वी जिनको कहा जाता है, यंगेस्ट लीडर अगर मैं कहूं तो मुकेश भांगरे सर है, आज हमारे वी काउंसिल लीडर नौसा साहा सर है, एक यूथ है, नितेश जैन सर क्रिएटिव माइंड ऑफ वी, आज पूरे बहुत बड़ा बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, साथ में माय लाइफस्टाइल में वी काउंसिल लीडर है, बड़ा प्राउड फील होता है हमें। साथ में अमित पांडे जी द पैशन ऑफ वी, आज उनके जैसे बड़े भाई साथ में है, साथ में संजय पांडे जी है ना, उनकी स्माइल मतलब हर हालात के अंदर वो कैसे आपके साथ में खड़े हुए ये फील होता है। साथ में मैं अगर बात करूं तो दुर्गेश त्रिपाठी सर, इतना नॉलेज का भंडार है दोस्तों, फीलिंग से लेके नॉलेज से लेके अध्यात्म से लेके हर मामले में परफेक्ट आपको मिलेंगे, ऐसे इंसान का साथ आपके साथ है। और साथ में हम सबके गॉडफादर जो फाउंडर ऑफ वी फैमिली, जिन्होंने ये बैनर बनाया, जिन्होंने ये ब्रांड बनाया, श्री श्री मोहित टंडन सर, ऐसे इंसान का साथ हमारे लिए बहुत बड़े किस्मत की और सौभाग्य की बात है। और इतने सारे नायाब हीरे दोस्तों, मैं सच अगर बताऊं तो आपकी और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जिसकी वजह से ये सब नायाब हीरे हमारे साथ में हैं और जिनकी वजह से हम डे बाय डे ग्रोथ कर पा रहे हैं। और मैं तो बहुत किस्मत वाला मानता हूं अपने आप को कि जिनकी टीम में मैं हूं, जिनकी टीम का हिस्सा मैं हूं, ऐसे रत्नेश तिवारी जी वो अपने आप में ऐसे नायाब हीरे है जो आपको मतलब छोटे से छोटे पत्थर को या खुरदुरे पत्थर को भी तलाश के हीरा बनाने का काम करने में पारंगत है दोस्तों, मास्टरपीस है उस मामले में। और बड़े सौभाग्यशाली हम लोग की ऐसे सारे के सारे लोग मिले हैं और मैं टीम का भी ब्लेस्ड हूँ, जो टीम मुझे मिली हुई है मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि जैसी टीम मुझे मिली हुई है। मेरे प्राउड आरटीसीज की अगर बात किया जाए जिनके साथ में काम करके हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और 100% ग्रोथ होते चली जा रही, तो ये वी फैमिली की बात मैंने आपको बताई। जिंदगी के अंदर ये पांच चीज एमआई लाइफस्टाइल के साथ एक साथ मिला हुआ है, एमआई मिला हुआ है दोस्तों इकलौता, जो पार्टनर्स मिला हुआ है वी के बारे में मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इन तीन चीजों के बारे में हमने बात किया जो जिंदगी के बारे में बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है हम सबके लिए तीनों चीजें। दूसरा, आज अगर कुछ चीजों के बारे में बात करूं तो बड़ा बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूं मैं बात करते हुए, क्योंकि आज का जो दिन चल रहा है, ये जो हालात चल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज है जिसमें आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि आज पूरी दुनिया एक चीज से परेशान है और वो है इनकम, वो है लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, वो है लोगों की इनकम, वो है लोगों के हालात। आज लोगों के हालात जो है थोड़े थोड़े बैलेंस लोग कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, जॉब्स जा चुकी है, लोगों के साथ आप हमदर्दी के साथ खड़े हो सकते हैं, लोगों की लाइफ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि चलिए हम आपके साथ खड़े हैं, मिलके काम करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लकी साबित हो सकते हैं। और क्यों लकी साबित हो सकते हैं, कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा आप, मैं हमेशा हर स्टेज से शेयर करता हूँ, ये ऐसा टाइम चल रहा है जैसे आप घाट चढ़ रहे हो, आप टेकड़ी चढ़ रहे हो, घाट चढ़ रहे हो और आप साइकिल चला रहे हैं,
साइकिल चला रहे हैं, आप पेडल मार रहे हैं, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर पीछे से तेज हवा चलने लग जाए और वो आपको सपोर्ट करे, तो जितना पेडल आप मार रहे हैं शायद हवा नहीं चलती, तो ज्यादा मेहनत करना पड़ता, लेकिन सपोर्ट में अगर हवा आपके पीछे चलने लग जाए जो आपको स्पीड में आगे बढ़ाने का काम करे, तो ये चीजें आज का टाइम है। आज का टाइम ऐसा है जहां प्रकृति भी सपोर्ट कर रही है ना, जहां पर लोग हेल्थ के बारे में ऑलरेडी अवेयर हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है लोगों की हेल्थ में काम करेंगे। आज अगर आप किसी को प्रोडक्ट अगर बताते हैं, तो शायद आज से 6 महीने 8 महीने पहले अगर बताते थे तो लोगों के लिए प्रोडक्ट उनकी जरूरत महसूस नहीं होता था, लेकिन आज लोगों को प्रोडक्ट्स अपनी जरूरत महसूस हो रहा है, क्योंकि खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में अगर लोगों की कोई चीज अगर है तो वो है अपनी खुद की सेहत। तो आप लोगों की सेहत में बदलाव कर सकते हैं। आज की डेट में अगर हालात देखे जाए तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसे कमाने की, आप उस बात का कारण बन सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं। आज उन लोगों का आप कारण बन सकते हैं जो हजारों लोग, हजारों युवाओं जो परेशान थे कि आज हमें कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, कुछ गवर्नमेंट जॉब या कुछ अदर नौकरी तलाश करने, आज हालात ऐसे दोस्तों की नौकरी से निकाला जा रहा तो लगने का तो सवाल ही नहीं, आज इतने क्रिटिकल फेस में आप लोगों के सहायक साबित हो सकते हैं। तो ये दिन को ना इतना इंपॉर्टेंस दीजिए कि जितना आपको शायद बताया ना जा सके, फील ना कराया जा सकते, लेकिन अपने आप में फील करिए कि इस समय में लोगों की हेल्प करिए। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपके लिए बेस्ट सपोर्टर के रूप में खड़ी हुई है, MI आपके बेस्ट सपोर्टर के रूप में खड़ा हुआ है, और आप डे बाय डे आगे लगातार ग्रोथ करते चले जा रहे हैं। तो इस बात से आप आकलन कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर माई लाइफ स्टाइल का, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का और बी फैमिली का कितना बड़ा सपोर्ट है, और यही सपोर्ट लोगों के साथ करते चले जाइए, हमेशा आपको वैल्यू मिलेगी और ऊपर वाला आपका साथ देगा और आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा। दूसरा, आज जो समय है, समय को और अपनी ताकत को दोनों को पहचानिए, क्योंकि एक साथ अगर मिली हुई चीजें हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सपोर्ट, हेल्थ वाइज सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट, आज गवर्नमेंट भी कह रही है कि आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रमाणित किए गए प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, तो लोगों को मददगार साबित आप बनिए। तो ये जो चीजें मैंने शेयर किया हुआ है, समय के हिसाब से आपको यूटिलाइज करना है। अब जो चौथा, आगे अगर मैं स्पीड से अगर नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जाऊं, तो वो मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा, हमारी जिंदगी में लगातार ग्रो करने के लिए अगर कोई बात है तो वो हमारे 4 R होते हैं। जैसे एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए चारों कोने मजबूत होने चाहिए, वैसे ही हमारे बिजनेस की जो मजबूत बुनियाद को अगर खड़ा करना है तो हमारे चारों कोने हमारे मजबूत होने चाहिए, और वो चारों कोने अगर कोई है बिल्डिंग की मजबूत बुनियाद की, तो वो चार कोने के रूप में दोस्तों हमारे 4 R है। मैं डिस्कस करना चाहूंगा उनके बारे में, 4 R के बारे में। एक पहला R है, अगर हमें बिजनेस में अमीर और कामयाब और सक्सेसफुल इंसान अगर बनना है तो ये 4 R आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप ध्यान रख सकते हैं? आर यू रेडी? आपके कमेंट के रूप में मैं जानना चाहूंगा, या तो आप थम्स अप कर सकते हैं या तो आप वी कर सकते हैं, है ना। ये 4 R का आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 4 R को अगर आप फॉलो कर पाए तो आप अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ग्रोथ करेंगे और एक बहुत बड़ा मुकाम आप अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करेंगे। सो आर यू रेडी? सो मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आप तैयार हैं तो ये 4 R को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, 4 R क्या है। तो पहले R के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, और उसे बोला जाता है रीपर्चेस। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है दोस्तों। फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक के बिना जिंदगी के अंदर आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो पहला टॉपिक जो मैंने बोला कि 4 R में से पहला R जो है वो रीपर्चेस है। रीपर्चेस मतलब उन प्रोडक्ट्स की खरीदारी, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास ऑलरेडी मिलते हैं उन प्रोडक्ट्स का यूज करके हम अपनी जिंदगी के अंदर कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहली बात आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप MI लाइफस्टाइल में हैं और आपकी आईडी एक आपकी दुकान है, और आपकी एक दुकान है तो मैं आपको कहना चाहूंगा तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, जो भी चीजें हेल्थ वाइज, है ना, वेल्थ वाइज जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, क्या ये सारे की सारे प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं? तो क्या हमारे घर में माई लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या हमारी दुकान के ही प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जस्ट चेक, आपको चेक करने की जरूरत है, क्या हमारे किचन में सारे प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है माई लाइफ स्टाइल के, क्या वही यूज हो रहे हैं?
क्या हमारे वॉशरूम में वही प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो महिला स्टाइल के हैं? कोई और प्रोडक्ट तो हमारे घर में राज नहीं कर रहा है? तो अगर हमें थोड़ा सा अगर चेक करने की जरूरत है तो यह है कि हमारे घर में, हर किसी के घर में एक ही काम होना चाहिए और एक ही बात होनी चाहिए और एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, वो महिला स्टाइल का, चाहे न्यू स्टार का हो, ऑन एंड ऑन को हो, या एलिमेंट का हो, कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन महिला स्टाइल का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको प्रोडक्ट्स पर बिलीव रहेगा, और जब आप प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे को बताएंगे तो आप उस आत्मविश्वास के साथ बता सकते हैं, आपकी आंखों में दिखेगा। अदरवाइज आप सजेस्ट करेंगे कि 95 पीना चाहिए और सामने वाले ने पूछा ये सच में फायदा करता है, उन्होंने कहते तो है कि वो करता होगा, तो ये अगर आपने कहा तो ध्यान रखिएगा आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। तो 100% आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, और कॉन्फिडेंट तब होंगे जब प्रोडक्ट्स अंदर जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर प्रोडक्ट्स आपने यूज किया है तो रिजल्ट बोलेगा, और उस विश्वास के साथ आप बताएंगे। ऐसा नहीं करना है क्या, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जब मंथली रिपर्चेज में हमारा चेक बना और वीकली ऑन होल्ड मिनिमम परचेज कंडीशन फेल्ड अगर तब बताता है तभी अपन रिपर्चेज करते हैं, तो यू आर नॉट इन बिजनेस, यू आर इन जॉब। मतलब तनख्वाह लेने के लिए कुछ करना पड़े, ये बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं है। बिजनेसमैन एटीट्यूड, बिजनेसमैन वाला विचार क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट्स की खरीदारी हमें लगातार करते रहनी चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी यूज हो रहा है, और 2-4 हज़ार का प्रोडक्ट तो सर ऐसे ही लगता है, मिनिमम 1,000-2,000 का प्रोडक्ट तो हर किसी के घर में लगता है, तो ये जरूर रिपर्चेस करना चाहिए। आखिरी समय पर मंथली कट ऑफ आने पर ये ध्यान नहीं रहना चाहिए, ये पहले ही अपनी परचेसिंग जो है लगातार इसे करते रहिए, यूज करते रहिए, आपको रिजल्ट की वैल्यू पता चलेगी। ज्यादा डिस्कस ना करते हुए दूसरे आर पे आते हैं, और दूसरा आर जो है दोस्तों वो बड़ा फेवरेट आर है मेरा, और उसे बोला जाता है रिटेल। ये इतना बड़ा पार्ट है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिस अकेले इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आधार माना जाता है ये पार्ट। रिटेल जो है सबसे बड़ा सेगमेंट में आता है, एक सबसे बड़ा पॉइंट है ये। रिटेल के दम पे पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी आज की डेट में चल रही है, कितने लोग सपनों को पूरा करने के लिए पहले स्तंभ से आगे बढ़ रहे हैं। ये रिटेल एक बहुत बड़ा अंपायर है जहां पर आप सब कुछ करने की शुरुआत कर सकते हैं, और इसी के दम पे बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, इसी के दम पे शुरुआती दौर में जिंदगी जो होती है ना वो इसी के दम पे चलती है। रिटेल, अब कैसे करना है रिटेल? तो पहली बात जब अगर मैं बात करूं, किसी का कमेंट आया है चौरसिया जी, मुझे कंफर्म कराइएगा, किसी का कमेंट आया, स्क्रीन शेयर है? चौरसिया जी, किसी का सर कमेंट आया, स्क्रीन शेयर है क्या? हाँ नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं है सर। चलिए मैं स्पॉटलाइट पर हूं। हाँ जी सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो हम बात कर रहे थे, जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा रिटेल का। रिटेल में हम बात कर रहे थे दोस्तों, रिटेल अपने आप में बहुत बड़ा एक, जैसे बोलना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म है जिसके दम पर बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी के अंदर सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और लगातार बढ़ते चले जाए। तो रिटेल आपके पास कब होगा? रिटेल अगर आपको करना है तो पहली प्राथमिकता कि आप 100% प्रोडक्ट्स के कट्टर यूजर होना चाहिए, तभी आप प्रोडक्ट्स को रिटेल कर सकते हैं। रिटेल करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट्स का होना आवश्यक है। इसके लिए आप चाहे तो 10,000, 15,000, 20,000, 25, 50,000, लाख रुपए तक भी आप एक होम शॉपी रख सकते हैं, जिससे डेली की इनकम आप कर सकते हैं, डेली की इनकम कर सकते हैं, डेली की इनकम कर सकते हैं। फोकस करिएगा इससे, डेली की इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली के खर्चे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली की इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये डेली की इनकम अच्छी खासी आप तब कर सकते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट्स का एक स्टॉक होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं तो कम से कम छोटा स्टॉक होना चाहिए। और मैं इस मामले में बहुत फेवरेबल हूं उन लोगों के, जो आज की डेट में एक बेंचमार्क जो पी फैमिली ने बनाया हुआ है कि हर आदमी को अगर कामयाब होना है तो हर आदमी को 10K अपना करना चाहिए, किसी भी सूरत में 10K होना चाहिए। अब 10K करना है तो कैसा करना है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्रोडक्ट्स आपके पास होना चाहिए जिससे आप रिटेल कर सकें। प्रोडक्ट्स का आपके पास काउंटर होना चाहिए। कई लोगों को तो मैंने देखा है दोस्तों, प्रोडक्ट उनके पास होता है लेकिन कार्टून में पैक करके ना पलंग के नीचे घुसेड़ के रखते हैं,
पलंग के नीचे अगर कार्टून में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट आपको झांक रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे, कोई भी आपके घर में आ रहा है वो प्रोडक्ट नहीं देख पा रहा है, बेचारे को दिखेगा क्योंकि पार्ले जी आपने नहीं रखा है। अगर आप पार्ले जी रखेंगे तो पार्ले जी दिखता है, वो सब जानते हैं तो कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपने अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट रखा जो मार्केट के अंदर नया है तो अपने प्रोडक्ट चूंकि सारे के सारे नए तो लोग पूछते हैं ये क्या है, और लोगों ने पूछा और अपन ने बताया, और जब बताया तो लोगों को पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट्स की जरूरत है हर किसी को, और प्रोडक्ट्स के बारे में अपन ने बताया, प्रोडक्ट्स की जरूरत महसूस होती है, आदमी ले जाता है, खरीदता है और ले जाने के बाद इस्तेमाल करता है। सर तो माय लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट में दम है, माय लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट अंदर जाता है तो जाते बराबर प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलना शुरू करता है। ये पावर इकलौता मैनेजमेंट है जिसके अंदर माय लाइफस्टाइल में ऐसे प्रोडक्ट है, एलिमेंट और ऑन एंड ऑन जैसे ब्रांड के प्रोडक्ट है, न्यू स्टार के प्रोडक्ट है, जो बोलता है और प्रोडक्ट बोलता है दोस्तों, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 90% आदमी खुद समझ जाता है, 10% चीजें आपको समझानी होती है। तो प्रोडक्ट हमें यूजर बनाना पड़ेगा, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होना चाहिए, बहुत बढ़िया जाए नहीं तो ज्यादा नहीं तो एक छोटा सा स्टॉक हमारे पास डिस्प्ले में होना चाहिए, हर घर के अंदर प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। अब जब आपके पास स्टॉक है तो पता है काम आप भी बस नहीं करते हैं, काम आपकी फैमिली भी करती है, क्योंकि किसी के भी दोस्त रिश्तेदार मित्र पड़ोसी सगे संबंधी घर में आते हैं तो वो सब देखते हैं, तो हर आदमी बताना शुरू करता है तो घर के सारे लोग अपने आप ऑलरेडी बिजनेस में आपके साथ सपोर्ट में शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप यूजर हो, यूज कराए उनका अच्छा रिजल्ट मिलता तो सारे लोग सपोर्ट में खड़े होंगे। अब आपको प्रोडक्ट को कैसे यूटिलाइज करना है और कम से कम नहीं तो कितनी मात्रा में आपके पास प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तो मिनिमम मात्रा अगर मैं बोलूं तो अगर आपको सक्सेस की स्टेप पर स्टेप बाय स्टेप अगर आगे चढ़ना है तो आपका मिनिमम 10K का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। ज्यादा कर सकते हैं सो गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन 10K का क्यों होना चाहिए? और अगर हमें बिजनेस करना और हम 10K भी नहीं कर सकते हैं तो यू आर नॉट इन अ बिजनेस, आप व्यवसाय में नहीं है, फिर आप कुछ और कर रहे हैं। अगर व्यवसाय में है तो एक सब्जी वाला व्यापारी भी जिसके टमाटर दूसरे तीसरे दिन सड़ जाते हैं, गोभी सड़ जाती है, पालक सूख जाती है, धनिया सूख जाती है, ऐसे व्यवसाय के अंदर भी 2-3 दिन की सब्जी में इन्वेस्ट करके सब्जी वाला भी 10,000 8,000 6,000 लगा के रखता है दोस्तों, इन्वेस्ट करता है। जहां पर नुकसान का डर है, अगर 3 दिन टमाटर नहीं बिका तो पिलपिला हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब भी 10,000 आदमी इन्वेस्ट करके रखता है, क्योंकि वो उसका व्यवसाय है। और हम अगर व्यवसाय के अंदर 10K का भी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो सर ये बिजनेस की परिभाषा नहीं हो सकती, फिर हम बिजनेस में नहीं है। तो 10K का प्रोडक्ट हमें 100% लेना चाहिए। अब इस 10K को रिपीट कैसे करना है? अगर आप लगातार सक्सेस चाहते हैं और आप बड़ी सक्सेस अगर चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर लगातार सक्सेस चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए और थोड़ा भी अगर आप चाहते हैं कि टिके रहें बिजनेस में, तो आपका 10K मंथली होना चाहिए, मंथली 10K। महीने में 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो और महीने में 10,000 का प्रोडक्ट बेचो, 10,000 का प्रोडक्ट खरीदो और महीने भर में 10,000 का प्रोडक्ट बेचो। लेकिन ये स्टेप होगी जैसे पैसेंजर ट्रेन होती ना, पैसेंजर है ना, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा में चलती है, छिंदवाड़ा से गांगीवाड़ा जाती रुक जाती, फिर लहरा जाती रुक जाती, फिर पलासिया जाती रुक जाती, फिर जुन्नादेव जाती रुक जाती, ऐसा छोटे छोटे स्टेशन में रुक जाती है। इसे बोलते हैं पेंचवेली ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, जिसको मतलब ये जो महीने में 10K करता ना, ये पैसेंजर की भांति चलता धीरे धीरे धीरे, ये नहीं। थोड़ा अगर आपको और स्पीड में कामयाब होना है तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना होगा, और स्पीड में कामयाब होना है तो सिंपल प्रोसेस, आपको वीकली 10K में आना पड़ेगा, वीकली 10K। और वीकली 10K आने के लिए करना क्या होगा सर? सिंपल सा प्रोसेस, तेल साबुन शैम्पू क्रीम फेस वॉश इसका एक पैकेट बनाओ और आप अगर देखोगे तो 1,000 2,000 या 1500 पहले अगर लोग देखोगे तो 5-6 लोग आपके पास ऑटोमेटिकली हर किसी के पास है, 500 500 600 200 400 लोग हर किसी के पास है जिनको इतने प्रोडक्ट दे सकते हैं। और आप अगर 50 लोग भी आपके पास है जिनको आप ये बोलो कि इन सारे प्रोडक्ट्स की एजेंसी मैंने अपने पास लेके रखी है, आज से ये प्रोडक्ट्स की सर्विस मैं घर लाके आपको दिया करूंगा, अगर 20 लोगों का 30 लोगों का भी आप सिलेक्शन करेंगे ना तो मना नहीं करेंगे कि नहीं मतलब आना हमें अच्छा नहीं है, आप ले जाके दे सकते हैं, वो लोग यूजर रहेंगे और रिजल्ट बोलता है माय लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट का, तो वो अपने आप पता नहीं कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। और उन्हें एक ही काम बोलिए, अगर आपको फायदा हुआ तो आप दूसरे को भला करने में विश्वास रखते हैं कि नहीं, तो 100% एक भी आदमी ये नहीं बोलेगा कि नहीं करना है।
जिंदगी के अंदर किसी के पास कुछ हो ना हो, लेकिन दूसरों को भला करने की, मदद करने की चुल हर किसी को है लाइफ के अंदर। ये बात सबसे बड़ी है दोस्तों कि जो लोगों की मदद करना चाहते हैं वो आपका रीजन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे अच्छा लगेगा, वो दूसरों की मदद करेंगे, आपको कस्टमर लिस्ट अपने आप थोक के भाव में मिल जा रही ना, तो आप ऑलरेडी वहां तक लोगों को पहुंचा सकते हैं, वहां तक प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं, तो 10-20 लोगों के यूज सकते हैं। तो वीकली आपका 10K हुआ, आपने वीकली 10K मूव किया, प्रोडक्ट्स आपने मूव किया, हमेशा लगातार यूज किया, और यूज करते करते यूज करवाते करवाते आपको अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट्स अपन ने मूव किया, रिटेल किया। दूसरी स्टेप में अगर मैं आता हूं तो वीकली 10K अपन ने किया है, लेकिन ये वीकली 10K हो गया थोड़ी एक्सप्रेस 10 की तरह। लेकिन अगर अपने को सुपर फास्ट की स्पीड में अगर आगे बढ़ना है तो तीसरा फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूं कि 10K करो तो मंथली 10K आपने किया, पैसेंजर की स्पीड हो गई, वीकली आपने 10K किया तो ये स्पीड आपकी एक्सप्रेस की हो गई। लेकिन अगर आपने वीकली 10K किया और एक 10K लेफ्ट में और एक 10K अगर राइट में आपने करवाना शुरू किया, इसे बोलते हैं सुपर फास्ट की स्पीड। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझिएगा, मुझे स्लाइड बनाते नहीं आता है, आप थोड़ा इस बात पर फोकस करिएगा कि ये आपका मंथली 10K, आपका वीकली 10K, लेकिन अगर आपने वीकली 10K के साथ साथ लेफ्ट में एक 10K, राइट में एक 10K अगर कराना शुरू किया, तो आप ध्यान रखिए आपका वीकली 10K के साथ साथ आपके 4 वीक महीने में होंगे, 4 10K आपके होंगे। तो आपको पता है माय लाइफस्टाइल में अपनी आईडी पे शॉपिंग करोगे तो एक बार का लेफ्ट में जुड़ जाता है, एक बार का राइट में जुड़ जाता है, ये आपको सबको पता है। तो जब 40,000 की शॉपिंग आपकी 4 10K आपकी आईडी पे होंगे, बेचोगे, खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, फिर बेचोगे, फिर खरीदोगे, तो 4 वीक में 4 10K होंगे, तो 20,000 इधर जुड़ जाएगा, 20,000 इधर, तो रुपए में ही अगर आप समझ लो तो 9 × 2 = 1800 का पेमेंट बन जाएगा आपके टर्नओवर से। और 4 10K लेफ्ट में होगा और 4 10K राइट में हो गया, तो सर कितना हो गया, 40,000 लेफ्ट में हो गया, तो तकरीबन रुपए में अगर कैलकुलेट कर लो एज अ प्रीमियम प्रोडक्ट तो 9,3600 का चेक ये लेफ्ट राइट से बन जाएगा, और 1800 का ये, तो 18 × 54 लगभग 5400 का आपका चेक बन गया सिर्फ रिटेल से, 5400 का आपका चेक बन गया। और एक आदमी को वी अचीवर बनने के लिए कितना पेमेंट लगता है सर डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर, 4000। जब एक आदमी को 4000 लगता है डिस्ट्रीब्यूटर रैंक पर वी अचीवर बनने के लिए, तो ऑलरेडी आप 5400 कमा चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा, जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा। तो सब लोग अपनी जगह पर बोल सकते हैं, जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा, जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा, है ना। मुझे पता है शर्म आ रही होगी घर में, लेकिन अगर ये दोहराएंगे तो 100% आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, और बोलिए जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा। तो इजीएस्ट आप इसे कर सकते हैं और आपकी ग्रोथ डे बाय डे हमेशा होते चलते चली जाएगी, आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मंथली 10K पैसेंजर ट्रेन की तरह, वीकली 10K एक्सप्रेस की तरह, और सुपर फास्ट आगे बढ़ना है तो ये आपको हमेशा ग्रोथ दिलाएगा। लेफ्ट में एक 10K, राइट में एक 10K, वीकली और वीकली आपका 10K, तो 40,000 का टर्नओवर आपकी आईडी पे हो जाएगा, तो उसका 1800 बनेगा, 40,000 का टर्नओवर इधर, 40,000 का टर्नओवर इधर, 9,3600 का पेमेंट, तकरीबन 5400 का पेमेंट बनेगा, और आप बन जाएंगे वी अचीवर। और जो वी अचीवर बनेगा वो लगातार सीलिंग अचीवर बनेगा, जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा। और अगला फॉर्मूला ये है कि जो लगातार 12 महीने में 12 बार वी अचीवर का मेडल जीतेगा वो 100% उस मुकाम पर खड़ा होगा दोस्तों कि 12वें महीने बाद 12 मेडल लेने के बाद वो सीलिंग अचीवर बने ना बने, लेकिन ये बात की गारंटी अभी तुरंत जो दे रहा हूं 100% सीलिंग अचीवर बनेगा। लेकिन इन शॉर्ट 12 महीने का जो सीक्वेंस बता रहा हूं, सिर्फ 12 महीने के अंदर आप क्या होंगे, 1,00,000 रुपए महीने की इनकम और शानदार आपकी लग्जरी कार लिख के ले लीजिए दोस्तों, और अगला आपका पड़ाव इंतजार करता है उसके बाद कि जो वी अचीवर बनेगा वो सीलिंग अचीवर बनेगा। तो वी अचीवर 100% सीलिंग अचीवर बनेगा, आगे आपका सीलिंग अचीवर का रास्ता तय करता है, वी अचीवर ही आपका सीलिंग अचीवर का रास्ता तय करता है। तो 100% शायद कुछ बातें समझ में आई होगी, तो इसे फोकस करिएगा, और ये हमेशा एक ही स्लोगन हमेशा याद रखिएगा कि जो वी अचीवर बनेगा वो सेलिंग अचीवर बनेगा। और ये भी याद रखिएगा, अगर आप ज्यादा सक्षम नहीं है लेकिन आप इतने भी कमजोर नहीं है,
कि मंथली 10 के ना कर सको, वीकली 10 के ना कर सको, और इतना जिगर आप सभी के पास है कि जो वीकली 10 के करोगे उसे लेफ्ट में एक 10 के, राइट में एक 10 के कन्वर्ट करना है। कर सकते हैं? कमेंट में बताएंगे मुझे प्लीज, कर सकते हैं? और अगर आप कर सकते हैं तो आपकी सीलिंग, आपकी कार और आपकी लाखों रुपए महीने की इनकम आपका इंतजार कर रही है, तैयार रहेगा, आपका वहां फैला के माइलस्टाइल आपका इंतजार कर रही है कि लाखों रुपए महीने अपने आपके घर पे आने के लिए तैयार है। तो 100% यहाँ पर जरूर फोकस करिएगा। ये हमने बात की हुई है रिटेल के अंदर। दूसरा जो तीसरा पॉइंट आता, पहला चार आर में से हमने डिस्कस किया, एक आर हमने डिस्कस किया हुआ है, पहला आर हमने डिस्कस किया रिपर्चेस मतलब खुद यूज करें, दूसरा आर हमने डिस्कस किया है रिटेल, और तीसरा आर जो है वो है दोस्तों रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट बड़ा फेवरेट टॉपिक है और बड़ा मजेदार टॉपिक है, क्योंकि रिक्रूटमेंट मतलब नए लोगों को जोड़ना, नए लोगों की भर्ती करना, और इतना सिंपल टॉपिक है, बड़ा मजा आता है इस टॉपिक के साथ बात करने में। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी का असली सूत्र जो होगा, जिंदगी में असली सक्सेस जो होगी, जिंदगी में बड़ा पैसा अगर आएगा तो वो इसी से आएगा दोस्तों, और वो है आपके नेटवर्क बनाने से आएगा, और आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होगी, आपका नेटवर्क ही आपकी बड़ी सक्सेस आपकी होगी। आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो इसे हमें नेटवर्क बनाना होगा। नेटवर्क बनाने का सिंपल प्रोसेस में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। रिक्रूटमेंट, नए लोगों को भर्ती कैसे करना। पहली बात, चूंकि हम यहां पर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि हर आदमी आपको लीडर बोलता है कि बिजनेस में नए लोगों को भर्ती करने के लिए चार स्तंभ रहते हैं, उसके जो सब स्तंभ है रिक्रूटमेंट करने के लिए उसके भी चार स्तंभ है, और वो पहला स्तंभ है लिस्ट बनाओ, आमंत्रण करो, कॉलिंग करो, प्लान दिखाओ और फॉलोअप करो। ये चारों फॉर्मूला के साथ मैं पहला फॉर्मूला में कुछ चीजें अपडेट करना चाहूंगा। जनरली हम जिसे भी ज्वाइन कराते हैं, उसे यही ज्ञान दे के आते हैं कि लिस्ट बनाना है, कॉलिंग करना है, प्लान शो करना है और फॉलोअप करना, फॉर बेसिक बता के आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर होती नहीं है, क्योंकि यही बात आपको भी सैकड़ों बार बताई गई थी कि आपने ये किया नहीं किया। आपको मैं प्रूफ के साथ कुछ चीजें बताना चाहूंगा। सामने वाले को अगर आपने बिजनेस में ज्वाइन कराया है तो जो पहला पॉइंट आपका आता है वो कहाँ से शुरू होता है, चूंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर अगर किसी को बनाया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की होम काउंसलिंग में आप बैठे हैं, होम काउंसलिंग लास्ट में सेशन, लास्ट में बात डिस्कस करूंगा, तो लिस्ट बनाने का फॉर्मूला हमें बता के आना नहीं है, क्योंकि आज तक आपको भी बोला गया था, कई लोग ऐसे जिन्होंने बनाया नहीं है। डायरी आपको उठाना है, ऐसे सामने वाले की डायरी अपने हाथ में लीजिए, पेन अपने हाथ में उठाइए और सामने वाले से 25 नाम पूछिए कि आपके कौन से खास खास लोग है, बताइए सर मैं लिखता हूं, मैं, आप लिखिए, आप लिस्ट बनाइए, आप लिस्ट बनवाइए, आगे देख के बनाइए, क्योंकि आपने अगर बोल के आ गया तो उसने भी सुन के छोड़ गया। यही चीजें होती है और यही चीजें इंसान को माइनस में लेके जाती है। कॉपी उठाइए, डायरी उठाइए, पेन लीजिए, सामने बोलिए सर उठाइए मोबाइल, सबसे हॉट आपके करीबी लोग 25 कौन है, सर नाम बताइए मैं लिखता हूँ। आप सॉरी सर मैं आपको रोक रहा हूँ, ये हेडफोन चेंज कर लीजिए, वो बी बेस से टकरा रहा है तो आवाज थोड़ी किरकिरा रही है। सॉरी सर, इस साइड कर लीजिए सर। ओ सॉरी, ऐसे करना है सर। हाँ जी सर, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। अभी क्लियर है सर? ओके सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सो हम बात कर रहे थे कि लिस्ट हमें बनानी है, लिस्ट कैसे, लिस्ट बनवाना है ना, खुद ही आपको बनाना है, बनवाना भी नहीं है, क्योंकि अपन ने बोल के आया और काउंसलिंग करके आया तो ये काम नहीं होगा। तो कॉपी लीजिए, पेन लीजिए हाथ में और लिस्ट आप खुद बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद दो चार लोगों के नाम निकालिए कि कौन आपके करीब है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, अगर आप गए हैं तो आसपास के एरियाज में। फोन उठाइए अपना, सर बोलिए नंबर, या आपका मोबाइल बताइए, आप कॉलिंग करिए, आप कॉलिंग करिए, सामने वाले के नहीं, उसके सामने वाले के बंदों को आप कॉलिंग करिए, सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं सामने वाले को प्रैक्टिकल समझ में आएगा। आप बोल देते हैं छोड़ देते हैं नहीं होता, और डायरी में लिस्ट बनवाओ तो शुरुआत 25-50 से, लेकिन लिस्ट थोक के भाव में होनी चाहिए। क्यों थोक के भाव में लिस्ट होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास टोकरी में अगर आम है
और चार आम हैं और छह लोग हैं या चार लोग हैं, तो अगर कोई थोड़ा सा खराब भी रहेगा तो उसे खराब वाला हिस्सा अलग करके और आपको उसे खाना पड़ेगा, क्योंकि चार लोग हैं, चार ही आम हैं। लेकिन आपके पास टोकरी भर के आम हैं तो आप क्या करोगे उस समय, है ना? कोई पिलपिला है तो फेंक दोगे, कोई गीला है तो फेंक दोगे, अच्छा अच्छा सेलेक्ट करके निकाल के खाओगे तो मजेदार दिख रहा हो, मजेदार टेस्ट जिसका लग रहा हो, थोड़ा भी खराब दिखेगा उसको फेंक दोगे। तो चॉइस आपकी रहेगी आपके पास, अगर गेस्ट की संख्या लिस्ट जो है वो थोक के भाव में रहेगी, 200-300 जितनी आप बना सकते हैं, अगर ये रहेगी तो 100% आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, डर नहीं रहेगा, आप हताश नहीं होंगे। और 90% लोग तो सर लिस्ट ना बनाने की वजह से खत्म हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। पहला फॉर्मूला, लिस्ट होनी चाहिए, जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट उतनी ज्यादा बड़ी इनकम इंसान की होगी। तो बड़ी लिस्ट बनाना है, कॉलिंग आपको खुद करना, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कॉलिंग खुद करना, प्लान सो करना है और प्लान सो आगे देख के करवाना है, इस पे ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, प्लान सो आपको करना और प्लान सो आपको करवाना है। पहले 5 प्लान आपको करना है, ये फॉर्मूला भी बताने की जरूरत नहीं सर, 2-3 प्लान आपने दिखाया, एकदम इजीएस्ट प्लान है और सामने वाले को बताना आपने शुरू किया और आप बैठ के देखो सर ऐसा बताइए, और जो भी इंसान ने किया बहुत बढ़िया और सिंपल एकदम 25 मिनट के अंदर मैक्सिमम प्लान होना चाहिए। पूरा ब्रह्म ज्ञान अपने को नहीं देना है 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, नहीं, 25 मिनट में शॉर्ट एंड सिंपल कुछ चुनिंदा 2-4 प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और कुछ चुनिंदा बातों के साथ, लेफ्ट राइट मैचिंग बीबी का 12% पूरा स्ट्रक्चर में अपन ने बताया। मैक्सिमम 25 मिनट में प्लान होना चाहिए, प्लान सो डेली होना चाहिए। प्लान सो के पहले थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, बिजनेस के बारे में, और ये नॉलेज जो है वो एक दिन में नहीं आएगा, आप करते चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये चीजें होते चले जाएगी और एक दिन में आप परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन एक दिन जरूर परफेक्ट हो जाएंगे और एक दिन में नहीं होंगे, तो लगातार काम करते रहेंगे तो आप हमेशा परफेक्ट में आ जाएंगे। दूसरा फॉलोअप, अब प्लान सो आपने रेगुलर किया, फॉलोअप आपको करना है, और फॉलोअप आपको अगर करना है तो फॉलोअप के लिए बड़ी सिंपल प्रोसेस है, जो चीजें पसंद है सामने वालों को उस हिसाब से बात शुरुआत करनी है, लेकिन फॉलोअप करने जैसा आज की डेट में कुछ बचा नहीं है। जहां भी आप जा रहे हैं तो पहली शुरुआत आपकी किस चीज से होना चाहिए, कि प्लान आपने दिखाया है तो प्लान दिखाने के बाद लिस्ट आपने बनाया, कॉलिंग करवाया, प्लान दिखाया, प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करना है। फॉलोअप एकदम इजी वे में व्यवसाय में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें सामने वाले को दे के आना है, चाहे 100 का हो, 200 का हो, 500 का हो, डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमें सामने वाले को जरूर देना है। और जब हमने सामने वाले को प्रोडक्ट दिया तो उसका रिजल्ट मिला कि नहीं, क्या हुआ, उसका फॉलोअप, फीडबैक, कई बार अपन प्रोडक्ट दे के आ जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट उधर भी तपस्या कर रहा है और वो भी तपस्या कर रहा है। जैसे किसी ने तो गलती से क्या करते हैं, हम लोग कई बार तो 95 ही दे के आ जाते हैं, बोले ये कई 3,000 का, नहीं, पहली शुरुआत में अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि 95 नहीं देना है, लेकिन कोशिश करिए कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप जरूर दें। इससे जब छोटे छोटे प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा थोड़ा विश्वास बढ़ेगा तो सर वो बड़े प्रोडक्ट भी लेगा, 10,000 का भी लेगा, वीकली 10K भी करेगा, सब करेगा, लेकिन पहले उसे विश्वास में लेके आना है कि हाँ आप एकदम स्वतंत्र, आप जितने का चाहें उतने का प्रोडक्ट लेके बिजनेस में आ सकते हैं। फॉलोअप में एकदम सिंपल होना चाहिए और ये सिंपल फॉर्मूले के साथ आपने डिटेल के लिए फॉर्म निकाल के भरना कोई जरूरी नहीं है। एक कागज आपने रखा, कागज में सर मम्मी का नाम, पापा का नाम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा किसी को भी आप नॉमिनी बनाइए, मोबाइल नंबर लीजिए, ऐसा नॉर्मली डिटेल आपने जो भी 500 का, 700 का, 1,000, 2,000, 4,000 का, जितने का भी आपने प्रोडक्ट दिया उस प्रोडक्ट को बराबर यूज करवाइए, फॉलोअप लीजिए। जैसे आपको पता होना चाहिए, आपको पता है ऑनलाइन वाले कितना सब करके रखते हैं ना, शोरूम वाले पता चढ़ा कि आपका रिमाइंडर फॉलोअप डाल के रखते हैं। अरे सर अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखिए, कस्टमर का डाटा रखिए, कस्टमर का डाटा रखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कस्टमर का डाटा आपको हमेशा आपको याद दिलाते रहेगा कि कौन आदमी को मैंने क्या दिया था। साथ में कुछ चीजें ऐसी मैं जो और आपको बता रहा हूँ, तो कैसा आप कस्टमर का डाटा रख सकते हैं, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 तरीके के कॉलम है, इसे आप कॉलम मान लीजिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेगा, पीपीटी बनाते नहीं आता है लेकिन फिर भी माइलर स्टाइल पैसा दे रहा है इसी। ये पहला कॉलम अपन बनाते हैं, तो कस्टमर की लिस्ट में पहला कॉलम अपन ने बनाया सीरियल नंबर,
सीरियल नंबर का पहला कॉलम अपन ने बनाया, दूसरा नंबर अपन ने बनाया कॉलम किसका नाम का, तीसरा कॉलम अपन ने बनाया आईडी नंबर का, चौथा कॉलम अपन ने बनाया अमाउंट का। किस तरीके से आपके काम को शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, काम आपका कम ज्यादा काम होगा लेकिन कम समय में हो जाएगा। पहला कॉलम सीरियल नंबर, जब आपने सीरियल नंबर लिखा, नाम लिख लिया, आईडी नंबर, ये सब चीजें, लेकिन जब आप पहली बार किसी भी इंसान को कुछ भी आपने दिया तो क्या करिए, सीरियल नंबर लिख लो, नाम लिख लो, जितने का प्रोडक्ट दिया है वो आप लिख लो, या तो पहली बार का प्रोडक्ट नहीं वो तो आपने दिया है तो उसका रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं, या तो आप चाहे तो रख भी सकते हैं। उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको। अभी जिसको भी आपने प्रोडक्ट दिया, कस्टमर आपने बनाया, कस्टमर को यूजर आपने लगातार उसे क्रिएट किया, और उस कस्टमर से एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर तक बनाने का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। आपने प्रोडक्ट दिया, उसका फॉलोअप लेना है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है कि नहीं, लेकिन प्रोडक्ट यूज कर रहा नहीं इस बात को कैसे तय करोगे। प्रोडक्ट दिया अगर 95 भी दिया तो एक पाउच फोड़ के पहले पेला दो, बोलना आधी गिलास में मुझे भी दे और आधी गिलास में भाई तू भी ले, है ना, तो फोड़ के एक पाउच पिला दो। अब पाउच फूट चुका है तो अंदर जाएगा, और आपने अगर रख के आ गया ना तो तपस्या होती रहेगी 95 की, क्योंकि सामने वाला इंसान चाहेगा क्या, 3000 में बेच के कैसे कमा सकूं, और वो 3000 बेच के कमाने की भावना में ना 3000 में बिकेगा और ना अंदर जाएगा, तो ना कॉन्फिडेंस बेचने का आएगा और ना पीने का कॉन्फिडेंस आएगा, कुछ भी नहीं होगा, दो में से एक भी घटना नहीं होगी। तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को तुरंत यूज करा देना। वेल हार्ड आपने दिया, डब्बी फोड़ो, एक कैप्सूल आप भी खाओ, एक कैप्सूल सामने वाले खिलाओ, तुरंत प्रोडक्ट यूजर बनाना चाहिए। प्रोडक्ट यूजर अपन ने बना दिए, लगातार विश्वास में लिया, थोड़ा थोड़ा मीटिंग में कनेक्ट कराओ, ट्रेनिंग में कनेक्ट कराओ, ऑनलाइन तो आजकल इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही सर, इजी है। जितने लोगों को आपने सुना होगा इतने दिनों में, उतने लोगों को सुनने के लिए पता नहीं कितने वर्ष लग जाते हैं, तो एकदम आसान है अभी की डेट में लोगों को सिस्टम में कनेक्ट कराइए, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग उनको दिखवाया, विश्वास बढ़ेगा, उसे एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, और उनका फिर रिकॉर्ड रखो कि सेकंड टाइम उसने जितने का भी प्रोडक्ट लिया तो ये सीरियल नंबर पे आपने टिक किया कि उतने प्रोडक्ट की क्लोजिंग उसकी हुई है कि नहीं। सेकंड टाइम जो आपने, मान के चलो कि आपने 4000 का प्रोडक्ट दिया या 5000 का दिया, वैसे भी मिनिमम 3750 बीबी चाहिए एक्टिव आईडी बनाने के लिए, तो यहाँ आपने शॉपिंग किया, कूपन एजेंसी वाले को जिसको भी आपने क्लोजिंग करने के लिए भेजा, आईडी नंबर भेजा, आपने भेज दिया तो उस पर टिक कर दो कि राइट क्लिक आपने कर दिया कि हाँ ये क्लोजिंग जो मैंने इसकी करवा चुका है। दूसरा आईडी नंबर खोल के देख लो कि उस पर उतना अमाउंट चढ़ा है कि नहीं, अपना सिस्टम नहीं लगाने का, आईडी चेक कर लो भेजने के बाद, उधर से राइट मैसेज आया कि यस करेक्ट शॉपिंग हो गई, आईडी खोल के देख लो, अगर आईडी पर शॉपिंग हो गई है तो जो नाम जहां पर लिखा उस कॉलम पर टिक कर दो। तीसरा, उस आईडी से अगर आपने इंडिया शॉपी से प्रोडक्ट ले आया है तो आप इस पर आईडी नंबर पर राइट क्लिक कर दो, और चौथा, सामने वाले को अगर आपने प्रोडक्ट दे दिया है तो इस पर राइट क्लिक कर दो, और सिग्नेचर एक आपने ले लिया रिकॉर्ड रखने के लिए, आपने राइट क्लिक कर दिया। ये चार लाइन में आपके जो आगे आने वाले कई दिनों का काम आपका चार कॉलम में खत्म हो गया। ये आप रिकॉर्ड रख सकते हैं, कस्टमर का भी ऐसे ही रख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऐसे रखते हैं, तो आपको बड़ा नेटवर्क बनाने में आसानी होगी। इस तरीके से आपने कस्टमर को एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, लगातार प्रोडक्ट यूज करके, यूज करवा के, और डे बाय डे ग्रोथ जब उसकी होते चली जाएगी, थोड़े समय उसके साथ काम करने का, आगे बढ़ने का ऐसा विश्वास आते चले जाएगा और 100% आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 4 बेसिक्स। फॉलोअप जो है वो कुछ लोगों का लगातार चलते रहेगा, फॉलोअप जो है लोगों को कस्टमर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीडर बनाने का भी होगा, तो ये प्रोसेस चलते रहेगी आगे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग सब अटेंड करते चले जाएंगे, है ना, फिजिकल प्रोग्राम हो रहे हैं वो भी अटेंड करेंगे, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है ये भी अटेंड करेंगे, तो 100% आपकी बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। लेकिन करना हमें सब कुछ है, अगर बड़ी सक्सेस चाहिए तो ये करना पड़ेगा, और इसे एकदम आसानी से करना, कोई लोड नहीं है, और हमेशा मुस्कुराते हुए करना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम दुनिया का सबसे आसान व्यवसाय है माई लाइफ स्टाइल नेटवर्क इंडस्ट्री, आसान व्यवसाय है। चौथा पॉइंट हम आते हैं इसमें, 4R के बारे में मैंने बात किया था, जो 4R का जो चौथा आर है दोस्तों वो है रिटेंशन। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये, रिटेंशन क्या है, सिंपल सी बात है, जहां 4 बेसिक जहां पर एंड होता है वहां पर से अपना चौथा आर जो है रिटेंशन स्टार्ट होता है। अब बिजनेस में लोग आ तो रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन नन्ना मुन्ना बच्चे की तरह अगर अपन ने छोड़ दिया तो एक मेले में जैसे एक बच्चा गुम जाता है ना, वैसे ही हमारा एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो गुम जाता है।
उसे हर इंसान को सही तरीके से ट्रीट करने का, सही तरीके से संभालने का, सही तरीके से वैल्यू देने का काम यहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहला जो बात है वो ये है कि रिटेंशन करने के लिए आपको, आपने जिसको भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, तो पहला कि 24 घंटे के अंदर जिसको भी आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए या प्रोडक्ट्स दिए, उस इंसान से सेकंड टाइम आपकी मुलाकात अगले 24 घंटे के अंदर हो ही जानी चाहिए, किसी भी सूरत में 24 घंटे के अंदर आपकी मुलाकात किसी भी सूरत में हो जानी चाहिए। जब 24 घंटे में मुलाकात होगी तो मुलाकात आपको सपरिवार करना है, और अगर आपने बिजनेस बताया है तो बिजनेस प्लान रिपीट करना है, एक बार फिर से रिपीट करना है। आप याद करो, जब आपने पहली बार प्लान देखा था तो क्या एक बार में समझ में आया था? नहीं आता, आपको भी नहीं आया था, तो सामने वाले कहाँ समझ में आएगा। तो बिजनेस प्लान आपको रिपीट करना है। बिजनेस प्लान रिपीट करके थोड़ा थोड़ा आपने रिपीट किया, है ना, ओवरव्यू जैसा होता है ना, रिपीट आपने किया, और रिपीट करने के बाद तीन चीजों का पावर आपको बताना है, अपने विश्वास में लेके आने के लिए तीन चीजों का पावर बताना है। जो कारवा वहां से शुरू होता था, मैंने बताया था कि वाई डी एस आई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा स्कोप है, कितना बड़ा फ्यूचर है, आज कहाँ कहाँ लोग पहुँच रहे हैं, साधारण से साधारण आदमी बड़ी सक्सेस ले रहा है, बहुत बड़ा प्रोफाइल, लग्जरी घर, लग्जरी कार, ये सब कुछ हो रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का स्कोप बताना है अगले कुछ मिनट में, पाँच मिनट में MI लाइफस्टाइल का पावर बताना कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा के रखा हुआ है, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कंपनी के साथ आप हैं सर जहाँ पर लाखों लोगों के सपने पूरे हो चुके हैं, ये बात अपने को करनी है। और तीसरा, वी जैसा मैनेज्ड एंड कल्चर्ड प्लेटफॉर्म पर हैं, सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, वी फैमिली जैसा माहौल है सर, इसके साथ आप हैं, ये तीनों चीजों का इंपॉर्टेंस वैल्यू बनानी है, ये चीजें करनी है होम काउंसलिंग में। साथ में प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करना समझाना है, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए जरूरी, आप सेलेक्ट कर लेना, ऐसा नहीं भाभी जी को ये प्रोडक्ट, भैया को ये प्रोडक्ट, बच्चे के लिए न्यूट्री लैब फेयरनेस क्रीम, हेयर ऑयल वालों के लिए पेस्ट शैम्पू, सब सबका बता के आना है कि ये प्रोडक्ट सर आप इस्तेमाल करिए, ये इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट्स का बता के आना। प्रोडक्ट्स के बारे में एक दो वीडियोस, प्रोडक्ट्स के एक दो रिजल्ट, सराउंडिंग के कुछ लोग, एक दो एग्जाम्पल, जैसे प्रकृति का वो है वैसे प्रकृति के एक दो लोगों का आपको ओवरव्यू दे के आना। अगर सामने वाला इंसान अगर टीचर है तो सर ये देखिए टीचर है, यहाँ पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, ये देखिए सर फुल टाइम काम कर रहे हैं, ये सर ये थे, दो दो चार चार प्रोफाइल उन्हें सामने वाले को होम काउंसलिंग में अपने को बता के आना है, ये हुई होम काउंसलिंग। दूसरा, जब अगर हम बात करें तो ये चीजें समझाने के बाद, अगर आपने सामने वाले को ज्वाइनिंग कराया है तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या जाती है कि आप प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कर दें, पैसा लेने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके, 24 घंटा भी नहीं बोलता, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होनी चाहिए। या तो आपने अगर प्रोडक्ट तुरंत दिया है तो 100 गुड़ी से अच्छा और कोई बात नहीं हो सकती, प्रोडक्ट्स की डिलीवरी तुरंत होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके ज्वाइन होने के बाद, अगले 7 दिन या 4 दिन या 3 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऐसा मीटिंग हो रहा है तो उधर कनेक्ट कराइए, साथ में अगर कहीं फिजिकल प्रोग्राम हो रहा है कनेक्टेड एरिया में, अब तो वैसे भी सब लॉकडाउन हट गया है, तो वहां पर ले जाके कनेक्ट कराइए, और कनेक्ट कराइए अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से एक बार काउंसलिंग जरूर करवाइए, जरूर मुलाकात करवाइए। और जैसे ही बिजनेस इंसान ज्वाइन करता है तो पहला शब्द उसके पीछे होना चाहिए, वाह ग्रेट, क्या आपने डिसीजन लिया है, शानदार अपॉर्चुनिटी का आपने हाथ थामा है सर, 100% विश्वास रखिएगा कंपनी पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर, हम साथ साथ में मिलकर काम करेंगे, और एक दिन होगा सर कि आप सपनों की जिंदगी जीने के लिए भी तैयार रहेंगे और जिंदगी में डे बाय डे ग्रोथ होगी। सर एकदम से नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, लगातार करेंगे तो होगा, ये बिजनेस है, ये जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन लगातार 3 से 5 साल हमें लॉन्ग टर्म विजन रख के काम करना है और टिक के काम करना सर, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हुए काम करना, बस इतनी बातों के साथ आपने स्टार्टअप किया, ये होम काउंसलिंग में डिस्कस हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट अगर अपन ने डिलीवर कर दिया था, कनेक्टेड प्रोग्राम में अपन ने कनेक्ट करा दिया, और कनेक्टेड प्रोग्राम में कनेक्ट क्यों कराना है, क्योंकि आपको पता है जब भी आपने ज्वाइन किया था MI लाइफस्टाइल वी फैमिली के साथ, तो क्या आपको मोटिवेशन मीटिंग बिजनेस देखे वगैरह ही आ गया था? नहीं, आप आज मैं और सब जो भी हैं किसी ना किसी प्रोग्राम की वजह से यहाँ पर टिके हुए हैं,
तो प्रोग्राम का कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रोग्राम का अगर कोई एंट्री फीस है तो एंट्री फीस लेके बुकिंग करा लो, अगर नहीं है ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो कनेक्ट कराना ही है क्योंकि ऑनलाइन सबसे इजीएस्ट है, जहां है वहीं से अटेंड कर सकते हैं, वैल्यू बताइए, प्रमोशन करिए, ये चीजें करिए। तो ये अपना कनेक्टेड प्रोग्राम हो गया। जितनी जल्दी हो सके सामने वाले बंदे के KYC पैन और NEFT अपडेट करा दीजिए। कई ऐसे महान लोग होते हैं कि पेमेंट बन के होल्ड में पड़ा, बेचारे के डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट अपडेट कराइए और बताइए, सर आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए हैं, बहुत बढ़िया सर, अब जो भी पेमेंट आएगा ना आपको अगले 21वें दिन में, जो बुधवार आता है ना सर, डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गए तो आपका पेमेंट जैसे ही बनेगा आ जाएगा। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके पहला चेक निकलवाना शुरू करिए, पहला पेमेंट बनना चाहिए, 500 का हो 200 का हो कोई मैटर नहीं करता, जितनी जल्दी हो सके पहला पेमेंट आप बनवाइए। और पहला पेमेंट जैसे ही बना तो इतनी बधाइयां मिलनी चाहिए जैसे खुद की शादी में नहीं मिली थी, इतनी बधाइयां, क्योंकि कि वही बातें इंसान को बिजनेस में टिका के रखती है और हमेशा सक्सेसफुल वही बातें बनाएगी, क्योंकि जिंदगी के अंदर ये बातें इंसान को इतना बड़ा मतलब कॉन्फिडेंस देती है कि यार इतने समय अगर इतनी बड़ी वैल्यू हो रही है तो सोचो आगे में जब अचीवमेंट करूंगा क्या मेरा वैल्यू होगा। ये चीजें होनी, तो विश्वास बढ़ा के रखने के लिए बधाइयां आपकी कंटिन्यू जानी चाहिए और बधाइयां आपकी। और जो भी जब भी कोई इंसान बिजनेस ज्वाइन करता था, एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपके एक्टिव अपलाइन को नंबर दीजिए और बोलिए सर इनको कॉल करके बधाई दीजिए, इन्होंने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू होने की बधाई जानी चाहिए, पेमेंट बनने की बधाई जानी चाहिए, और जिस बुधवार को उसके खाते में पेमेंट आ गया सर बधाई हो, गंजे में चावल पका कि नहीं सर, दाना एक देखा जाता है, आज 408 रुपए का पेमेंट आया सर को, सर आपको इस बात की गारंटी हो गई कि सर एक दिन 4000 का भी बनेगा, 40000 का भी बनेगा, सिस्टम का हाथ थाम के रखिएगा, माइल स्टाइल वी फैमिली का हाथ थाम के रखिएगा, एक दिन ऐसा होगा कि सर हफ्ते का 2,10,000 भी इसी आईडी से इसी बिजनेस से हम कमाएंगे सर, और हम सब आपके साथ में मिलके काम करेंगे, ऐसा बोल के बधाई देना शुरू करिए और आपके एक्टिव अपलाइन से ऐसा बधाई का कॉल जाना चाहिए। ये जब आप करेंगे तो विश्वास का लेवल कहाँ होगा आप कभी शब्दों में शायद मैं अभी नहीं बता सकता, जब आप करेंगे तो आपको ये फीलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आएगी। तो ये चीजें हुई रिटेन के लिए जो मैंने आपको बताया। तो लगातार जो सारी चीजें अपन ने, सारी बातें अपन ने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, इसी बात को बेस बना के लगातार अगर सिस्टम का हाथ थाम के हम काम करते चले गए तो 100% आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी ग्रोथ होगी कि कभी मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपका प्रोडक्ट से लेके विश्वास, आपका बिजनेस, आपका ये सारे लोग, जितने लोग रिटेन हो रहे हैं वो आपकी संख्या बढ़ जाएगी बिजनेस में लोगों की, और इन लोगों को फिर वही सीक्वेंस जिनको रिटेन आपने किया, इनका होम काउंसलिंग किया, इनकी लिस्ट बनवाओ, कॉलिंग करो, प्लान सो, फॉलो अप, और लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, और फिर थोड़े बड़े लेवल पे जाके फिजिकल प्रोग्राम, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई वर्कशॉप होता है, ऐसे प्रोग्राम में अटेंड कराते चले जाएंगे, विजन बढ़ता चला जाएगा, काम करते चले जाएंगे, और कुल मिला के ये सब करते करते आपका एक ही काम होना चाहिए कि आपके कुल मिला के हर मामले में आपके नंबर बढ़ना चाहिए, नंबर बढ़ने चाहिए, नंबर बढ़ने चाहिए। इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारा काम है कलेक्ट क्वांटिटी एंड देन सेलेक्ट क्वालिटी। आपके पास दूध अपार होगा तो आपके पास घी की संभावना भी अपार होगी। घी बहुत महंगा बिकता है क्योंकि बड़ी क्वालिटी है, तो लीडर्स भी आपके निकलेंगे जितने ज्यादा नंबर होंगे। कुछ चुनिंदा 10-5 लोगों के पीछे नहीं लग जाना है, 4-6 लोगों के पीछे नहीं टिक जाना है, 4 लोगों के पीछे विश्वास बना के लग गए कि बोले अब यही है मेरी जिंदगी में बदलेगा, नहीं, आपका काम है मैक्सिमम नंबर्स को क्रिएट करना। मैक्सिमम नंबर जब क्रिएट होंगे तो 100% उसमें से अपने आप और डीके नरवरे जैसे सैकड़ों लोग मार्केट के अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन किसी के माथे पर लिखा नहीं है कि कौन माइल स्टाइल आपके साथ करेगा और आपकी तकदीर बदलेगा या खुद की तकदीर बदलेगा। आपका काम है तराशते रहना, आपका काम है बढ़ते जाना, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगे रहना है सिस्टम का साथ, 3 से 5 साल बड़े विजन के साथ, बड़े मिशन के साथ, MI लाइफस्टाइल के साथ टिके रहिएगा, क्योंकि एक ही सूत्र है, जो टिकेगा, जो सीखेगा, और 100% वही जीतेगा, और 210,000 भी वही लेगा।
तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। आई थिंक मेरा ऐसा विश्वास है कि सभी लोगों को मेरी बातें समझ आई होगी और मैं समझा पाया हूंगा। जो चर्चा हमने की है वो बहुत बड़ा जीवन में आपका परिवर्तन कर सकती है और अगर आपने इसे अमल किया तो मैं वी फैमिली का धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे मेंटर्स का, मेरे ग्रेट गुरु का, मेरे अप्लायंस का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ऐसे खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर बात करने का मौका दिया। मैं सारी शायद बातें शेयर कर पाया हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू वी फैमिली, थैंक यू नारी शक्ति, थैंक यू ओवरऑल सारी टीम के लोग और धन्यवाद आवर मेंटर एंड मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट रहा आज का, बहुत ही शानदार दिन रहा। इतने सिंपल तरीके से सर ये ट्रेनिंग रहा, आज हमने मोटिवेशन मिला सर आपकी ट्रेनिंग में, 4R को समझा, वीकली 10K को समझा और BHEAVER का महत्व समझा। थैंक यू वेरी मच सर। हम आशा करते हैं सभी, मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से इस ट्रेनिंग को हम अमल में लाएंगे, एक्शन में कन्वर्ट करेंगे और सक्सेस होकर दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।